चलो बैठ जाओ, प्लीज सिट डाउन, प्लीज प्लीज बैठ जाओ। चलिए ओके, चलो ओके, चलिए ओके, वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, प्लीज क्लोज द डोर, ठीक है, ये विंडो बंद कर दो, बाहर काम चालू नीचे, अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग ऑन, वर्क कॉन्ट्रैक्ट is been undertaken by some supplier where the recipient is government, to be precise our tax deductor covered under section 51, liable to deduct tax at the rate of 2%, 1% CGST and 1% while making payment to such supplier who is providing service in the course or हाँ जी। चलिए सारी लाइट्स चालू कर दो, पीछे की भी लाइट्स चालू कर दो, सब लाइट्स चालू कर दो, ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस लास्ट लेक्चर, बस बस अभी कोई बात नहीं करेगा एक दूसरे के साथ। देखो ये सब्जेक्ट जीएसटी के जैसा नहीं है, इसके अंदर हर शब्द कुछ कहता है, पूरा नया सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये थोड़ा नया सब्जेक्ट है, इसमें थोड़ा ध्यान दो आप लोग प्लीज, ठीक है, इसमें आपको ऐसा लगेगा भी कि अभी मैं दूर दूर जा रहा हूँ तो भी आप वापस खींचे चले आना, ठीक है, कम से कम डिस्टर्ब करना एक दूसरे को, प्लीज ध्यान दो, ठीक है, ये सब्जेक्ट अलग है, ये अपने को पढ़ना है, खत्म नहीं करना, डिफरेंस समझते हैं, मुझे खत्म करना तो मेरे तरफ से हो गया, तुम तुम्हारा देख लो, ठीक है, वैसा नहीं करना है, पूरा ओपन मत लगाओ यार, आ जाओ चलो, कितने बाकी भाई बाहर हो, नहीं डोंट, हाँ बस ठीक है, ओके चलिए, अब ऑडिटिंग और अश्योरेंस ये आपके सब्जेक्ट का नाम है, लास्ट लेक्चर में मैंने क्या देखा था, ठीक है, आपको एक ओवरव्यू हमने डिस्कस किया था कि सर ये सब्जेक्ट क्या है, क्यों है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, तो दो पार्ट है, एक होता है ऑडिटिंग, एक क्या होता है अश्योरेंस, ऑडिटिंग में हम क्या करते हैं वेरिफिकेशन, और अश्योरेंस में हम क्या करते हैं रिपोर्टिंग, क्या करते हैं रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग में क्या करते हैं हम वेरिफिकेशन, और अश्योरेंस में क्या करते हैं रिपोर्टिंग, अश्योरेंस देना मतलब भरोसा देना, क्या देना, कौन बात कर रहा है, आराम से आराम से आराम से, बिल्कुल बात मत करो, 10 मिनट तक चुप बैठो प्लीज, उसके बाद फिर 10 मिनट, ठीक है, इधर ध्यान देंगे, ठीक है, ऑडिटिंग और अश्योरेंस में हमने अब तक क्या देखा था सर, कि ऑडिटिंग जो है ये वेरिफिकेशन है, अश्योरेंस के अंदर क्या करना है हमें रिपोर्टिंग, क्या करना है रिपोर्टिंग, ओके ठीक है,
आज की बात नहीं, सदियों से चलता आ रहा है, कौटिल्य के टाइम से देखा ना हम। यस ठीक है सर, किसको फायदा होता है? इंटेंडेड यूजर्स को। किसको फायदा होता है? अरे बोलना पड़ेगा, कौन से यूजर्स? ठीक है देख लो, अभी जो बात नहीं करेगा क्लास में फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, और ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, थोड़ा ध्यान दो प्लीज। ठीक है, इंटेंडेड यूजर्स जो है, जितने भी इंटेंडेड यूजर्स है उनको, इंटेंडेड यूजर्स जो है जब वो अपने अपने बेनिफिट के लिए किसी भी पर्सन के बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट करना चाहते हैं तो वो उसका कौन सा बैलेंस शीट मांगते हैं? ऑडिटेड बैलेंस। तो कंबाइंडली बोलूं मैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या मांगते हैं? अब मेरा एक क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता क्या क्या है? क्या क्या आता है? बैलेंस शीट आता है, और प्रॉफिट एंड लॉस, और कैश फ्लो, और नोट्स टू अकाउंट, और चेंजेस इन इक्विटी। तो चेंजेस इन इक्विटी नोट्स में नहीं आता क्या? अलग से आता है, मतलब अलग से नोट लिखनी है। कौतुक उसे होशियारी, और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है ओके। ये ऑडिट है, ये एक्स्ट्रा है आपको अभी सीए फाइनल में। एक पॉइंट, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज भी एक चीज होती है, और नोट्स टू अकाउंट एक चीज होती है। ठीक है, तो सैप जो है वो आपको समझ में आएगा फाइनल के अंदर। ये सबको कलेक्टिवली कौन सा स्टेटमेंट बोलते हैं हम लोग? कौन सा स्टेटमेंट बोलते हैं? और यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर किसी सीए ने चेक करके उसके ऊपर अपना कमेंट दिया है तो क्या बन जाते हैं? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पैर से एएफएस भी बोला जाता है आर्टिकलशिप में, तो आप इंटरव्यू में इंप्रेशन मार सकते हैं। वी विल चेक द एएफएस। आप आर्टिकलशिप के पहले आर्टिकलशिप करके आए हो थोड़ा, इज इट क्लियर? तो याद रखना ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके डन, ये हमने देख लिया। तो अब इंटेंडेड यूजर्स कौन कौन होते हैं जरा बताएंगे मेरे को? इन्वेस्टर्स, उसके बाद में शेयर होल्डर्स, उसके बाद में बैंक, उसके बाद में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और गवर्नमेंट। ये सब कौन होते हैं? जो आपने बनाए हुए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिलाय करते हैं, और अपने या तो बोरोअर को लोन देंगे, अगर शेयर होल्डर होंगे तो इन्वेस्ट करेंगे, यस नो? इज इट क्लियर? अरे बोलो भाई, गवर्नमेंट होगा या तो कोई टेंडर देगा, जैसे कि नीचे दिया है ये जो काम चल रहे हैं इसका टेंडर दिया है ना गवर्नमेंट, तो इस पर्सन को क्यों दिया? क्योंकि इसका गवर्नमेंट ने क्या चेक किया है? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट ने चेक किया है, इसकी कैपेसिटी है क्या, क्रेडिट वर्दीनेस है क्या, टर्नओवर कितना है, पिछले साल कितना काम किया, ये सब चेक करेगा, यस नो? ओके चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये हमने कल देख लिया था पॉइंट, गवर्नमेंट भी इसके यू नो सपोर्ट में है। गवर्नमेंट भी बोलता है कि भाई हर वो पॉइंट जहां पे गलती होने का चांस है उसके ऊपर एक चेक पॉइंट लगा दो। अकाउंटेंट गड़बड़ कर सकता है, यस, कैश के अंदर कुछ झोल कर सकता है, उसको चेक करने के लिए उसके ऊपर एक ऑडिटर लगा दो। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है उन्होंने एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बना दी। तो जब अपने को इंडिपेंडेंस मिला तभी पता था, कॉन्स्टिट्यूशन जो लोग बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी में उन्हें पता था कि इतने सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जब ये बनेंगे तो इसके अंदर लोग फ्रॉड भी कर सकते हैं, तो उसको चेक करने के लिए अलग से डिपार्टमेंट बना। उसका नाम क्या रखा? क्या नाम रखा उसका? सीएनडीसी, अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होता है? ये डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? बोलो क्या करना? गवर्नमेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को चेक करना, उसके यस ट्रांजेक्शन के फेयरनेस के ऊपर रिपोर्ट करना, यस नो? जितने भी गवर्नमेंट की कंपनी है उनके ऊपर भी अपना ओपिनियन देना, ये सब किसका काम है? बोलो जल्दी, सीएनएजी का। लॉन्ग फॉर्म क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यस, एक चैप्टर बताया था मैंने आपको, याद है क्या? और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज वाला, देखिए ये वाला, ये जो है ना चैप्टर, इसका नाम अभी चेंज हो गया। पहले इसका नाम स्पेशल ऑडिट था, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज आया, ऐसा ना, अब ये इसका नाम चेंज हो गया, स्पेशल फीचर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज, ऐसा नाम रखा है, ऐसा ना? इज इट क्लियर? रिश्ता वही सोच रहे हैं, बोल सकते एग्जाम्पल के लिए बोला, मैं देखता नहीं हूँ बाकी स्टार प्लस आपको तो। चलिए अब बात करेंगे मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग।
किसकी बात करेंगे, मीनिंग एंड। एक बार पढ़ लो आप, एक बार डेफिनेशन पढ़ लो, फिर बात करेंगे। बजट नहीं, ट्रांजेक्शन। देखेंगे हम, रुको आगे आ रहा है, आगे आ रहा है। टैक्सी केबल ही पढ़ लिया डेफिनेशन। कितने लोग एग्री करते हैं क्या बराबर बराबर है? कैसे पर? चलिए इसको अभी ब्रेक डाउन करेंगे। आर यू रेडी? क्या बोला है पहले लाइन में? ऑडिटर कैसा एग्जामिनेशन है, मतलब पहले आपको यहाँ पे उन्होंने ब्लॉक कर दिया है कि आप जब ऑडिट के लिए जाओ तो क्या होके जाओ मेरे भाई। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंस? क्या होता है इंडिपेंडेंस का मतलब? आप किसी के भी इन्फ्लुएंस में किसके आ सकते हो? रिलेटिव्स, रिलेटिव्स की रिलेटेड। डू यू नो द डिफरेंस? एस 18 में पढ़ेंगे। एस 18 में रिलेटिव पार्टी ऐसे क्यों नहीं लिखा है, रिलेटेड पार्टीज क्यों लिखा है? कुछ लोग दूर होके भी करीब होते हैं भैया। प्रॉब्लम ये है कि अक्सर लोग रिलेटिव से ज्यादा रिलेटेड पार्टी से क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस। क्या होते हैं? इन्फ्लुएंस। तो अगर वर्ड ये यूज किया जाए रिलेटिव, क्या वर्ड यूज किया जाए? ओनली रिलेटिव। तो रिलेटिव की वजह से प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि अगर अदर देन रिलेटिव कोई है, अदर देन क्या है? रिलेटिव। तो आप लोग उसको ओके अगर अदर देन रिलेटिव है तो आप उसे मानोगे ही नहीं कि वायलेशन है, बराबर है? इसलिए एएस का नाम क्या रखा गया? रिलेटेड पार्ट। अब किसी भी चीज का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना है, कैसे करना है? मतलब क्या करना है? तो हमें एज एन ऑडिटर, हमें एज एन ऑडिटर जब ऑडिट के लिए जाएंगे तब किसी के भी व्यूज से इन्फ्लुएंस होकर अपना व्यू नहीं बनाना। जब मैं गया ऑडिट के लिए, ये पांच लोग बैठे, इन्होंने बोला अरे सर ऐसे मत करो वैसे मत करो, या ये मेरे स्टूडेंट्स है तो भी मुझे इन्फ्लुएंस, या वैसे वैसे ले लो कि मेरी कोई कंपनी है, मैंने तुम्हें एज एन ऑडिटर बुलाया तो तुम्हें मुझसे इन्फ्लुएंस होकर काम नहीं करना, या वैसे वैसे ले लो स्टूडेंट और एज अ टीचर, या जो भी आप बोलो फैकल्टी रिलेशन छोड़ दो, थर्ड पार्टी है, जितने थर्ड पार्टी है वो मेरे पास आया, मेरी मिस्टेक निकाला, मैंने कहा भाई क्या चाहिए, पैसा ले ले, ब्राइब ले ले और चले जाए यहाँ से, ये भी नहीं चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं जिसकी वजह से आपका इंडिपेंडेंस हैम्पर होता है, इन्हें कहा जाता है थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। क्या कहा जाता है? और ये चीज को ध्यान में इंस्टीट्यूट को बहुत पहले आ गया था, इसलिए उन्होंने बोला कि भैया क्या करेंगे हम लोग, जो बच्चे हैं, ये बच्चे जो है छोटे बच्चे, इसलिए इनको बचपन में सिखा दो एक चीज जिसका नाम होता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले कि आपके इंडिपेंडेंस को थ्रेट किन किन वजह से, तो आपको उसको ऐसा याद रखना है कि इन चीजों से मुझे इन्फ्लुएंस नहीं होना है, समझा ना? नहीं तो आप उसको ऐसा ऑप्शन लोगे, अच्छा इतने मोड़ रहते हैं क्या? ओके आप उसको ऐसे ना ले, अच्छा मतलब इतनी तरह से ब्लैकमेल करते हैं क्या, ऐसा ना ले उसको, ठीक है? तो वो थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस है, ये भी हमको आपको हम एथिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मतलब नॉट यस और नो, नॉट बायस्ड एंड नॉट कमिंग टू द कंक्लूजन फ्रॉम द व्यूज ऑफ अदर्स, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होके, जैसा कैप्टन होता है टीम का, सुनता सबकी है, करता खुद की, जिम्मेदारी भी खुद ही लेता, बराबर है? जो भी हो जिम्मेदारी क्या लेता है, भले उसकी कीमत उसे कप्तानी खोके क्यों ना चुकानी पड़े। इस सेंटेंस का अगर किसी वास्तविक जीवन से इसे केवल संयोग समझा जाए, कल तक हम जिसे फैमिली समझते थे आज उसे पराया करते।
सीएसके के फॉर्म छूटे हैं, जिन्हें भरना है भर दो। हम लोग दिसंबर 31 तक फैंस लेंगे, उसके बाद बंद हो जाएगा। चलिए, तो ऑडिटर कैसा एग्जामिनेशन है दोस्तों? इंडिपेंडेंट। कैसा एग्जामिनेशन है? नेक्स्ट क्वेश्चन किसका? अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड क्यों नहीं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट एंड इंफॉर्मेशन? क्या क्या आता है? वाउचर बिल, ये तो स्टेटमेंट में भी आता है। वाउचर बिल रिकॉर्ड का होता है। क्या क्या, कौन से रिपोर्ट? तो कैन आई से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूड बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा? ये लिखो यार। यस, सही जवाब सिद्धि जी। इंडिपेंडेंट के बाजू में लिख दो, नॉट बायस्ड नॉट इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम व्यू ऑफ अदर्स। ठीक है, एग्री? अरे बोलो। सर एक क्वेश्चन है, क्या ऑडिट सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज को होना चाहिए कि छोटे छोटे का भी हो या किसी का भी हो सकता है? इसलिए यहाँ पे वर्ड के इसके गए। अब एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, एनी एंटिटी बोला है तो जो छोटे छोटे लोग हैं क्या उन्हें भी ऑडिट के खर्च में आप डालोगे? तो छोटे लोग और बड़े व्यक्ति हम क्या करेंगे, एक डेफिनेशन। तो अब ऑडिट जो है ये एक प्रोसेस है, ये कोई एक्ट नहीं है, ये क्या है? प्रोसेस। अब जिस एक्ट में ऑडिट करना है लिख दिया तो उस एक्ट में वो कंपल्सरी हो गया। तो हम पढ़ रहे सब्जेक्ट कि हम ऐसे ऑडिट करेंगे। अब तुम क्या हो? प्रोप्राइटरशिप हो, तो तुम्हारे लिए क्या कोई एक्ट है? जाके चेक करो, अगर उसमें लिखा है ऑडिट कराना है तो ऑडिट किस तरीके से होगा। क्या हो तुम? कंपनी हो, कंपनी एक्ट में लिखा है ऑडिट कराना है, सेक्शन 139 में लिखा है अपॉइंटमेंट। हाँ, तो फिर 141 में अगर एलिजिबल हो, देख लो सीए है तो सीए आएगा ऑडिट करेगा। ट्रस्ट हो, बीपीटीए में लिखा है बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 या एलएलपी 2008, चेक करो तुम्हारा स्टेटस क्या है और क्या उसमें लिखा है ऑडिट करना पड़ेगा, तो इस तरीके से ऑडिट होगा जो मैं आपको पढ़ा। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज का, 500 करोड़ 1000 करोड़ 100 करोड़ की बड़ी बड़ी फ्रॉड सॉरी टर्नओवर वाली कंपनीज, बड़े बड़े टर्नओवर वाली कंपनीज का ही ऑडिट होगा, ऐसा जरूरी नहीं। सबका ऑडिट हो सकता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नंबर वन। सेकेंड क्वेश्चन, सर मेरी तो एनजीओ है, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों को स्टार कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं, लोगों के कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं, हमारा भी ऑडिट करोगे? पर हमारा उद्देश्य प्रॉफिट कमाना कभी भी नहीं था सर, ये तो चेक करने के बाद समझेगा ना भाई। तुम्हारा उद्देश्य क्या करना है, ये किसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो एक प्रिंसिपल पे चलते हैं, ट्रस्ट। बट चलो मान लिया ट्रस्ट है तुम्हारी बात पे, तुम्हारे ट्रस्ट में हमको ट्रस्ट है, बट तुम जो ट्रस्ट के अंदर काम कर रहे हो वो पूरी ट्रस्ट के साथ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आई बात समझ में? तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आप तो ट्रस्ट का भी ऑडिट कर रहे हैं तो गलत है, ऐसा ऐसे, तो आपको गलत लग रहा है? अभी बड़ी बड़ी ट्रस्ट है, अभी साईं बाबा शिरडी ट्रस्ट, आपको इन्वेस्टमेंट पता है कितना? इन्वेस्टमेंट 1100 करोड़। कभी बैलेंस शीट देखना, पब्लिक फोरम पे अवेलेबल, ऐसे गूगल पे डालोगे डाउनलोड एनुअल रिपोर्ट शिरडी संस्था, 1100 करोड़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट। सोचो अभी आप इन्वेस्टमेंट है तो रेवेन्यू कितना होगा, खर्चा कितना होगा, ऐसा ना? बट उन्होंने एक एक रुपए का हिसाब रखा है, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट वेबसाइट पे ऑडिट रिपोर्ट अपलोड कर दी है, जाओ चेक करो क्या करना है।
आर सो कॉन्फिडेंट, इज इट क्लियर? वहां पे जो सीए उसने पूरा ऑडिट किया, उसने चेक किया कि जो ट्रस्टीज है उन्होंने बराबर काम किया या इसके बाद किया। ये स्टैंड नहीं लिया उन्होंने कि हम तो एनजीओ साहब, हम क्यों ऑडिट करें। तो सर इससे एक बात साबित हो रही है कि आप प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो मैटर नहीं करता। एग्रीड? अरे बोलो। ठीक है, इज इट क्लियर? यहां तक आ गए आप लोग? तो अगर कोई मुझे ये बोलता है, ये क्वेश्चन अगर कोई मुझसे करता है कि सर हम तो प्रॉफिट ओरिएंटेड ये है वो है, तो क्या उसे मैं एक्सेप्ट कर लूं? हमें मैटर नहीं करता प्रॉफिट ओरिएंटेड है कि नहीं, लेकिन आपको फिर भी ऑडिट कराना पड़ेगा। अगेन सर, इज इट कंपल्सरी टू ऑलवेज कंडक्ट ऑडिट? डिपेंड्स अपॉन योर स्टेटस। आप पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप एक्ट में कंपल्शन नहीं है, प्रोप्रेटरशिप है उसके लिए कोई एक्ट नहीं है इंडिया में, है ना सर? सोल प्रोप्रेटरशिप एक्ट वो नेचर है जो आपने याद किया था उसी, सोल प्रोप्रेटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, याद किया ना, कोऑपरेटिव याद किया था ना, ट्वेल्थ उसी में, वो स्टेटस था, वो एक्ट के नाम नहीं है। इज इट क्लियर? जॉइंट स्टॉक कंपनी, अब कंपनी एक्ट में कंपल्सन है। हाँ जी हाँ, तो उसका आएंगे अभी हम, रुको अभी आगे आ रहा है, बहुत भारी पॉइंट है इस पे, इसको बचा के रखा हमने आगे के लिए, राज है इसमें। इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, अब साइज का और लीगल फॉर्म का मतलब क्या है? टर्नओवर कितना भी हो और लीगल फॉर्म का मतलब एओपी हो, डीओआई हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, एलएलपी हो कि पार्टनरशिप, कुछ भी हो, ऑडिट करना पड़ेगा। When such an examination, अब क्यों किया हमने? When such an examination is conducted, क्यों कंडक्ट कर रहे हैं? घर पे जाना है क्या हमको करके? क्या करना है उसके ऊपर? क्या देना है अपना? तो अब मेरा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपसे, आप ऑडिटर को ओपिनियन देने के लिए बोल रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नहीं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब डिफरेंस ये है कि मैं अगर किसी फार्मा कंपनी का ऑडिट करता हूं तो अब मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिएगा, एम आई लायबल टू रिपोर्ट कि बेनाड्रिल, ग्लाइकोडीन, सिनारिस्ट, क्रोसिन, ये जो टैबलेट्स कंपनी बना रही है उसका मैं ऑडिट करता हूं, इसका केमिकल फॉर्मूला बराबर है कि नहीं? तो आपने तो लिखा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है क्या? यस बोला सिद्धि ने, सिद्धि को सिद्धि प्राप्त हो गई ऐसे बोल रही है। आज तो मैं तो पूछ रहा हूँ आपको, तो क्रॉसिंग का फॉर्मूला गलत हो गया, लोग प्रॉब्लम आ गया था, ऑडिटर जिम्मेदार नहीं, गोइंग कंसर्न का प्रॉब्लम में आ जाएगा। हाँ जी, वो इज अथॉरिटी मतलब नहीं, केमिक ड्रग एसोसिएशन ने तो जो फॉर्मूला सही वही अप्रूव किया, प्रोसेस गलत हो रही, तो क्या इसके लिए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है या नहीं? क्यों? इसका स्कोप नहीं, यहाँ पे तो लिखा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यस, इंटरनल ऑडिटर, रुको जरा। हाँ जी, फॉरेंसिक रिपोर्ट तो होने के बाद आएगी ना, पुलिस तो सब होने के बाद आएगी और पकड़ेगी ऑडिटर को, तुमने क्या चेक किया? अभी मैं वो छोड़ू, मैं एक शेयर होल्डर हूँ
और आप ऑडिटर हो, ऐसा अजूम करो, और मेरा आप पे इल्जाम है, मैं ऑल इंडिया रिटायर्ड शेयर होल्डर का प्रेसिडेंट हूँ, ऑल इंडिया रिटायर्ड शेयर होल्डर एसोसिएशन, आवर राइट आवर डिविडेंड, हमारा मोटो है, ठीक है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, तुम लोगों ने ठीक से चेक नहीं किया, इसलिए तुम्हारे डिसीजन की वजह से मेरी कंपनी का गोइंग कंसर्न डेंजर में हुआ, आज कंपनी बंद हो रही है, आप मुझे कॉम्पेंसेट करो। तो मैं ऑडिटर को सीधा सीधा चार्ज कर रहा हूँ, थर्ड पार्टी डैमेजेस क्लेम कर रहा हूँ आपसे फॉर स्पेसिफिक डैमेजेस। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, डज इट इंक्लूड ऑल दिस इंफॉर्मेशन इवन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ ऑडिट। तो पहले यहाँ पे एक वर्ड समझना पड़ेगा, स्कोप क्या है। देखिए आप कुछ भी कर लीजिए, अगला पॉइंट वही आने वाला है लिमिटेशंस वाला, कुछ भी कर लीजिए आप 100% कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकते, आप रीजनेबल अश्योरेंस दे सकते हो, और जब आप रीजनेबल अश्योरेंस दे सकते रहे हो उस वक्त यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एक्सपर्ट इन ऑल दिस टेक्निकल एरिया। कोई कंपनी का कोई मशीन का कोई प्रोडक्ट बन रहा है, वो प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन क्या होगा, कोई फूड कंपनी है, वो फूड कंपनी अपना प्रोडक्ट बराबर से डिजाइन करके बराबर से वो हिसाब से बनाए रही है, इसके ऊपर ऑडिटर कमेंट नहीं कर सकता। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है समझेंगे यहाँ पे। इंफॉर्मेशन के अंदर, फाइनेंशियल के अंदर सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आते हैं, लेकिन नॉन फाइनेंशियल डेटा जिसके लिए ऑडिटर जिम्मेदार है वो क्या रहेगा, प्रोडक्शन क्वांटिटी एग्जाम्पल, ये सर ना ये लिखेंगे हम, डोंट वरी। कितना वेस्टेज निकला, मतलब ऑडिटर का कंसर्न क्या होना चाहिए, वेस्टेज डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन, लास्ट ईयर का वेस्टेज डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन और इस साल का वेस्टेज डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन, इस साल का रेशो बढ़ रहा है, इसके ऊपर ऑडिटर ने ध्यान देना चाहिए। लेकिन वो वेस्टेज किस चीज का है, कैसे बना, क्यों आया, इसके अंदर क्या हुआ, प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम था क्या, केमिकल फॉर्मूला गलत हो गया, इसके अंदर ही इज नॉट एक्सपेक्टेड टू गो इनटू दैट। समझ में आया, तो मोटा मोटा धंधे की बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है, भले आपको धंधे कैसे चलता है अंदर से इसका पूरा पूरा नॉलेज है, यस, मतलब मुझे ये समझना चाहिए क्या आपके बिजनेस के अंदर कुछ टैबलेट्स है, अगर मैं फार्मा कंपनी को ऑडिट कर रहा हूँ तो कुछ टैबलेट्स है जो नहीं बिक रही स्टॉक में दिख रही है, यस, तो मेरा क्वेश्चन होना चाहिए ये स्टॉक स्लो मूविंग क्यू है, नॉन मूविंग क्यू है, but I am not expected to go and check whether each tablet is crossing or not. आई बात समझ, अरे ऐसा ना कुछ बच्चे वहां पे बोलते क्या, वो टैबलेट जो है ना वो येलो वाली टैबलेट दे दो, ब्लू वाली टैबलेट, रेड, तो बोलता भाई वो टैबलेट सब व्हाइट है, कलर ऊपर से अलग है पैकिंग का, ऐसा ना वो वहां से हटा के यहाँ डाल दी तो ये भी रेड हो जाएगी, तो हाउ ऑडिटर विल चेक, इम्पॉसिबल है। समझ में आई बात, तो नॉन फाइनेंशियल डेटा का मतलब टेक्निकल चीजें नहीं चेक करना है हमें, प्रोडक्शन और अदर चीजों का। अभी एचआर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सैलरी आती है, अब आप बोलोगे ठीक है हम सैलरी चेक कर लेंगे, तो आपको नॉन फाइनेंशियल डेटा में क्या चेक करना है या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या चेक करना है, कितने एम्प्लॉय छोड़ के गए एक साल, ले ऑफ का रेशो कुछ क्या है और रिट्रेंचमेंट का रेशो क्या, रिट्रेंचमेंट का रेशो क्या है या रिजिग्नेशन का रेशो क्या है, अगर आपकी कंपनी में रिजिग्नेशन ज्यादा हो रही है तो हो सकता है केएमपी छोड़ के जा रहे हैं, व्हाट इज केएमपी, कहीं गोइंग कंसर्न डेंजर में ना आ जाए, पॉसिबल है क्या, व्हाट इज गोइंग कंसर्न, बिजनेस विल कंटिन्यू टू द नियर बाय फॉरसीएबल फ्यूचर, गोइंग कंसर्न डेंजर में आ सकता है कि नहीं आ सकता, तो ये आपको सोचना है। अब ये सोचना क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, नहीं, पर फिर भी सोचना पड़ेगा कि नहीं, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का पार्ट है, आई बात समझ, तो हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस, स्टेटमेंट मतलब ये चार पांच चीजें, पीएल बीएस सीएफ, ऐसा ना आई बात समझ, नोट्स टू अकाउंट्स वगैरह ऐसे भी वगैरह, बराबर है, और इंफॉर्मेशन मतलब कितने एम्प्लॉयज हायर किए, कितने एम्प्लॉयज छोड़ के गए, कितने, अच्छा और एक रेशो एक बहुत जबरदस्त है, टोटल टर्नओवर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज बिजनेस पर एम्प्लॉय, टोटल टर्नओवर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज व्हाट, बिजनेस पर एम्प्लॉय, ये भी निकलता है, अब ये भी निकालता है ऑडिटर और बोलता है लास्ट ईयर का बिजनेस पर एम्प्लॉय वाज मोर देन द करंट ईयर, इट मींस द न्यू एम्प्लॉयज व्हिच हैव हायर्ड हैव एडेड नथिंग टू द कंपनी, हेंस नो बोनस शैल बी डिक्लेयर्ड, समझ रहे हैं, सी हाउ इज प्लेइंग विद द नंबर्स, आर यू देयर, तो ये सब ऑडिटर का काम है। अब ये बिजनेस पर एम्प्लॉय ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं, पर किसका पार्ट है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आर यू देयर, चलिए तो फटाफट इसको पढ़ते हैं। ऑडिट क्या है, देखिए इंडिपेंडेंस मतलब
अंडरलाइन करना है, जजमेंट ऑफ पर्सन अंडरलाइन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन, बस इतना छापना है आपको अगर एग्जाम में भी आता है, और इतना अंडरलाइन करो। कुछ लोगों को बहुत खराब आदत है, पता नहीं कहां से लगी, फाउंडेशन से उसके पहले से, जो दिखाने की हाल है जो दिखा, पूरी बुक को रंगा देते और फिर पूछते क्या इंपॉर्टेंट था। मेरे हिसाब से जो छुट गया वो आईएमपी होगा। कुछ बच्चों बचपन से एलिमेंट्री या ड्राइंग की क्लास लगाते, पहला पहला रीडिंग रेड, सेकंड रीडिंग येलो, थर्ड रीडिंग नोट्स, फोर्थ रीडिंग रेड पेन। भाई मेरे अंडरलाइन सिर्फ उस चीज को किया जाता है जो आपको रिवाइज करने के लिए पढ़ना है, तो आपको आपके इंस्टिंक्ट पे कंट्रोल रखना है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं मार्क नहीं करूंगा। जो आप पढ़ते उसको अंडरलाइन नहीं करना होता है, जो पढ़ा है उसमें से जो इंपॉर्टेंट उसको अंडरलाइन करना। समझ में आया? इज इट क्लियर? मैं यहाँ पे करता हूँ कभी कभी आपको ये बताने के लिए कि ये पॉइंट इस पे ध्यान दो, लेकिन मैं जो बोलूंगा आप उसी को मार्क करो, ठीक है? Who might have engaged in the auditor, मतलब जिसको ऑडिटर बोल के उसने अपॉइंट किया। The auditor should be independent of entity whose financial statements are subject to audit so that he can form an opinion without being affected by any influence. Independence increases auditor's ability to act objectively without creeping in any bias. वो इसी उसी चीज का एक्सप्लेन किया, बाकी नथिंग है। इज इट क्लियर? अरे बोलो भाई। Consider example. A person who requests his brother or CA to audit accounts of the proprietary concern and issue a report. Can CA audit accounts of concern in which his brother is sole proprietor? No. क्योंकि वो क्या नहीं होगा? Due to relationship by birth, he would subject to influence from his brother. जैसे अभी मेरे भाई की कंपनी प्राइवेट सॉरी पार्टनरशिप, तो उसका मैं ऑडिट नहीं कर सकता, ऐसा ना? उसका ऑडिट रिपोर्ट मैं साइन नहीं कर सकता। मैं या मेरे फर्म का कोई भी पार्टनर उसका ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं कर सकता। अरे यार आप लोग यार मेरी बात खाली नहीं आने देते। Why you are reading between the lines? Okay, हाँ, yes, आई बात समझ में? सब समझ में आएगा क्या? ठीक है, ठीक है। You're okay? ओके, चलिए आगे बढ़े। टेक अनदर केस वेयर सीए हैज इन्वेस्टेड शेयर्स इन अ कंपनी। सीए ने क्या किया है? शेयर्स इन्वेस्ट किए। कहाँ किए? कैन ही ऑडिट अकाउंट्स ऑफ सच कंपनी इन विच ही होल्ड शेयर्स? नो, वो कभी गलती नहीं निकालेगा, क्योंकि उसको पता है गलती निकाली तो शेयर क्या हो जाएगा। जैसे आज ब्लड बात आ गया मार्केट में, लेटर ऑन लास्ट के कुछ टाइम में, ऐसा ना तो नीचे आ गए शेयर। It is due to the fact that by holding shares of the company, his self-interest gets involved. Underline the word self-interest. Self-interest को underline करो। अब मेरे को पता है इसका मतलब क्या है। Self-interest जहाँ पे हो उसका audit आप कर नहीं सकते। ये जिसका आपको audit करना है वहाँ पे self-interest मत रहो। Is it clear? यानी कि आपको अगर किसी कंपनी के शेयर्स चाहिए तो आप उसको audit नहीं कर सकते। अगर शेयर्स ले लिए तो ऑडिट बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर शेयर्स ले लिए और ऑडिट चाहिए तो पहले शेयर सेल करने पड़े। समझ में आ गया? समझे कि नहीं? Yes. तभी आप क्या रहोगे? इंडिपेंडेंट। दोज एंटिटी हुज एफएस, अच्छा एफआई एग्जामाइन नीड नॉट नेसेसरीली बी प्रॉफिट ओरिएंटेड लाइक इन केस ऑफ यू नो एनजीओ और चैरिटेबल ट्रस्ट अंडरलाइन। इनका भी क्या करेंगे हम? ऑडिट। ये हम देख चुके ऑलरेडी, एनजीओ हो या ट्रस्ट हो सबको ऑडिट होगा। The purpose of audit is to express an opinion. Underline this line. Purpose of audit is to express an opinion. अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज लिखवा रहा हूं, ये चीज का मतलब आपको धीरे धीरे समझ आएगा, पर अभी सिर्फ लिख लेना यहाँ पे मॉड्यूल, ठीक है?
ठीक है। मॉड्यूल लाएगी सब लोग? कितने लोग नहीं लाए? एक दो तीन चार पांच। और फिर अब तो शेर की मुंह में हाथ डाल रही थी, फर्स्ट बेंच पे आके बैठी फिर गया। एक्सक्यूज मी, मैंने नहीं लाया। और फर्स्ट बेंच पे बड़ी कॉन्फिडेंस देखो, क्यों क्यों बेंच पे आ गया ना? चलिए अच्छी बात है, चलिए कल से लेके आइए। तो दो टाइप के ओपिनियन, एक क्या है मॉड्यूल, दूसरा क्या है अभी इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है जिसका नाम है ऑडिट रिपोर्ट। इसलिए इसको मैं दो मिनट में बताना अन्याय होगा, फिर भी मैं जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। मॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब होता है जब आप ये बोलते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देते, नहीं देते, तब क्या बोलने का उसको? और अनमॉडिफाइड मतलब जब देते हैं। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? मैं आपको रीजन देता हूँ। जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट आया है, कौन सा फॉर्मेट है? वो फॉर्मेट ऐसे इंस्टीट्यूट का जिसके अंदर जो ऑडिट रिपोर्ट आपको देना है उसके फॉर्मेट के अंदर ये लिखा है व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर। तो वो फॉर्मेट जब आप एज इट इज दे देते हो, मतलब आप उसको छेड़छाड़ नहीं करते, आप उसको एडिट नहीं करते, आप उसे मॉडिफाई नहीं करते, इसलिए उसे क्या बोला जाता है? इज इट क्लियर? यस और नो? और जब आप उस बने बनाए फॉर्मेट के साथ छेड़छाड़ करके उसमें लिखते हो डज नॉट, एक वर्ड ऐड करते हो डज नॉट प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर, तो क्या बन जाता है? आगे बात सुन, ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा, सीखता है व्हाई इट इज कॉल्ड मॉडिफाइड। ये इतना टाइम नहीं उनके पास, क्योंकि मॉडिफाइड के अंदर टाइप हो, वो हम देखेंगे जैसे हम आगे बढ़े। इज इट क्लियर? समझे कि नहीं? तो ऑडिट का, पूरे ऑडिट का सारांश क्या है? अपने को क्या एक्सप्रेस करना है? ओपिनियन। और ओपिनियन दो टाइप का होगा, या तो मॉडिफाइड या तो अनमॉडिफाइड। इज इट क्लियर? कई बच्चे बोलते हैं मॉडिफाइड ओपिनियन इज ओपिनियन व्हिच इज गिवन व्हेन यू डोंट वांट ऑडिट नेक्स्ट ईयर। क्यों ऐसा बोलते हो? क्योंकि आप क्या लिख रहे हो? नॉट प्रेजेंट एट ट्रू एंड फेयर। तो वो मैनेजमेंट या एजीएम वापस आपको अपॉइंट करेंगे, इसकी बात के चांसेस तो बहुत ही, तो ठीक है ऐसा बोलते हैं लोग, पता नहीं क्यों, पर ठीक है चलिए। लेकिन अगेन दिस इज नॉट ट्रू। एज एन ऑडिटर भले ही आपको अपॉइंट करे या ना करे, आपको वही करना है जो करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द लॉ। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सर, अभी हम अगर ऑडिट करेंगे तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा कौन? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो बनाएगा कौन? कौन? सीएस। सीएस वो किसका? एक नाम बोलो किसका, किसके ऊपर जिम्मेदार? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मैनेजमेंट, मैनेजमेंट हाँ जी, कौन बनाएगा? मैनेजमेंट की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एम्प्लॉइज। कितने लोग बोल रहे कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट? कितने लोग बोल रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? क्योंकि कुछ लोग ये लॉजिक लगा रहे हैं कि जिम्मेदारी बीओडी की है, वो चाहे मैनेजमेंट से कराए या किसी और से कराए, हम तो बीओडी को पकड़ेंगे। कुछ लोग बोल रहे कि मैनेजमेंट का पार्ट है बीओडी। यस, सेकंड थिंग इज करेक्ट, बीओडी इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट फॉर द पर्पज ऑफ ओनली प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल। तो मास्टर लाइन दे रहा हूं आपको, अपनी जिम्मेदारी खत्म। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो कल कुछ भी होता है तो पहले कौन मरेगा? बाद में ऑडिटर, इफ उसके पास ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहा तो। अगर साबित कर दिया तो निकल गया, वैसे भी सैंपलिंग है, याद है ना? आएंगे आगे वो भी आएगा। पहले ही चैप्टर में आप लोग बोलेंगे कई टेंशन नहीं सर, बिंदास कितनी बार ऑडिट हो जाए। मैं शुरुआत ही ऐसे करूंगा, अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा कि ऑडिट रिपोर्ट में अडानी के और एसबीआई के ऑडिटर ने इतना कुछ कुछ लिखा है कि बच्चे मतलब मेरे को कटघरे में खड़ा करते, फिर क्या फायदा ऑडिट का, ऐसा बोलते बच्चे। अगर ऐसा है तो ठीक है, तो देखते हैं अपन। अब कुछ काम की बात, ये सब ध्यान, ये सब करते हो तो ऑडिटर को एक बात ध्यान में रखनी, क्या उसका मेन पर्पस क्या है? जो भी उसने ऑडिट किया उसमें क्या इशू करना है उसको?
ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर कमेंट करना है और अपना ओपिनियन देना है, और वो ओपिनियन कैसा होगा, रिटर्न। और ये ओपिनियन देते वक्त उसे कुछ चीजों का ध्यान रखना है, इसके ऊपर एक थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है आपको, बहुत बेसिक क्वेश्चन, ऐसे चांसेस कम है आज के टाइम पे, ये मतलब 2008-09 में आता था क्वेश्चन, लेकिन आ सकता है। व्हाट ऑडिटर शुड कीप इन माइंड व्हेन ही हैज टू चेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तुम ऑडिट कर रहे हो तो तुम्हें कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है, इज इट क्लियर। नंबर वन, चेक करो अकाउंटिंग एंट्रीज बराबर है या नहीं, तो एंट्रीज को अंडरलाइन करो। अब मेरे को कसम खा के बताओ, ये पॉइंट लिखने की जरूरत है, तुमको जब एफएस चेक करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो तुम एंट्री चेक करोगे कि नहीं? तो भाई किसी को मुझे बोलना है भाई कहाँ जाना है, भाई यहाँ से तू विश्वास चर्च चला जा क्रिकेट के लिए, चलो सबको पता नहीं होगा तो दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ से तू रविवार का राजा चले जा आरके, ऐसा ना एक ही लाइन में नहीं, एक काम करो यहाँ से बाहर नहीं कॉलेज रोड में, वहां से कैनरा कॉर्नर आए फिर लेफ्ट ले गंगापुर रोड, ऐसा ना सीधा जा अशोक स्तंभ, वहां से तुझे भीड़ भाड़ वाला एरिया दिखेगा, ऐसे लेगा गाड़ी नहीं जाएगी वहां चले जा, क्या आ जाएगा सीधा आरके। Yes, तो कुछ जगह ऑडिट में ऐसा भी है, अखिल भारतीय दोस्त दोस्त पॉइंट रिपीट करो, ऐसा भी कुछ जगह होगा, और कुछ जगह आप सच में थोड़ा थोड़ा इरिटेट भी होगी, एक ही चीज यार कितने बार लिखोगे बस हो गया ना, ऐसा भी होगा, समझे आप। तो इसको आप अपॉर्चुनिटी देखो, क्या आपको तो एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, समझे क्या नहीं, उसी को एक्सप्लेन किया है, इसी क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट आर सपोर्टेड बाय सफिशियंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, अभी क्या होता है ये हम समझते हैं, सिर्फ एविडेंस नहीं बोला, क्या बोला है, सफिशिएंट मतलब एविडेंस की क्या होनी चाहिए, क्वांटिटी, और अप्रोप्रिएटनेस मतलब क्वालिटी, कुछ भी एविडेंस लेके आने का नहीं, मतलब क्या। अब मेरा एक आर्टिकल एग्जांपल, वो मुझे बोल रहा है सर मैं इधर आया हूँ बैंक के ऑडिट के लिए, इधर सब फ्रॉड है सर, सब गड़बड़ हो गई है सर, बहुत प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या होगा भाई, जो मैनेजर और चेयरमैन है ना उनकी सिग्नेचर हर प्रपोजल के ऊपर सेम नहीं दिख रही, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है, अब मान लो कि उसकी सिग्नेचर जो है ऐसा ना, भूषण में एग्जांपल ऐसी ऐसा ना, एक प्रपोजल पे ऐसी सर और एक पे ऐसी है, एक ही डॉट है, क्या ये एविडेंस है ये कंक्लूड करने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर, इसको बोलते हैं क्वालिटी, बिल्कुल भी एविडेंस में कुछ भी क्वेरी निकालने के लिए, इसको क्वेरी भी बोल सकते हो, अपनी स्टेटमेंट भी बोल सकते हो, गलती भी बोल सकते हो, ये दर्शाता है कि आप कितना सीरियस है काम के प्रति। यदि बच्चे कुछ भी लेके आते। दूसरी बात क्वांटिटी, आप एक पॉइंट कहते सर अगर कोई एम्प्लॉई है वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस का जब क्लेम, देखो सबसे ज्यादा फ्रॉड एम्प्लॉयज ट्रैवलिंग के क्लेम में करते क्योंकि वो आसान है बहुत, इस एग्जांपल को एम्प्लॉय को नागपुर भेजते हो आप तो वो बोलेगा मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, तो जो क्लर्क आपका रहता है उसको उतना नहीं पता रहता है, और कहाँ जाके गूगल मैप देखते बैठेगा, इतना नहीं, हर एक एम्प्लॉय का तो एम्प्लॉय रहेगा तो किसका इसका चेक करेगा जाके सच में कितना डिस्टेंस बना होगा, इज क्लियर। तो एम्प्लॉय उसमें फ्रॉड करते प्लस ऑटो ये वो खाने पीने का खर्चा डुप्लीकेट लगाते और कंपनी से फंड ज्यादा निकालते, ये एक बहुत कॉमन टाइप का एरर या फ्रॉड बोल लो जो हर कंपनी में दिखाई देता है। तो यू हैव टू बी वेरी स्केप्टिकल व्हेन यू आर गोइंग फॉर ऑडिट। तो मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ कि एविडेंस की क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए। एक केस में आपको मिला जहां पे एक एम्प्लॉय ने 100 रुपए लगाया है, कहां से कहां तक सर, एग्जाम्पल यहाँ से कैनेडा कॉर्नर से सीबीएस तक का 100 रुपए उसने लगाया। अब यह अमाउंट मैक्सिमम होनी चाहिए थी 50 रुपए 60 रुपए, ठीक है तो 20 रुपए, नहीं मैं प्राइवेट ऑटो की बात करूँ, शेयर की भी बात नहीं करूँ तो भी पिछले 50 रुपए, नहीं अगर प्राइवेट ऑटो करो आप तो 50 रुपए पकड़ लो एग्जाम, उससे ज्यादा तो नहीं होनी चाहिए उससे ज्यादा, उतनी अमाउंट लगाई। अब ये एक एविडेंस मिला, ये गलत है और इतना एक एविडेंस, क्या ये सफिशिएंट है ये प्रूव करने के लिए? अब एविडेंस में क्वालिटी है एग्री, लेकिन क्या नहीं है, दोनों होनी चाहिए, नंबर ऑफ रेपुटेशन होनी चाहिए। एक एविडेंस मिला आपको पूरी कंपनी में 10 करोड़, अब एग्जाम्पल इसका आइडियल क्या होगा कि सारे एम्प्लॉयज कंपनी में 250 एम्प्लॉयज, 250 एम्प्लॉयज हर क्लेम में 50-50 रुपए ज्यादा लगा, तो 250 × 50 × नंबर ऑफ ट्रिप्स, अब होगा ये प्रॉपर ऑडिट एविडेंस,
तो आपको ऐसा एविडेंस ढूंढना है जो आप जब ढूंढ लो ना उसके बाद में देयर इज नॉट अ सिंगल परसेंटेज चांस ऑफ डाउटिंग दैट एविडेंस, ऐसा एविडेंस ढूंढ के लाना। क्योंकि जब मीटिंग के लिए बैठते हो आपके प्रिंसिपल के साथ और आपका प्रिंसिपल डिस्कस करता है मैटर विद द क्लाइंट कि भाई आपके ये पॉइंट है हमारे आर्टिकल से निकाले, जैसे वो पॉइंट आता है तो प्रिंसिपल आपके पास बोलेगा अरे बताओ तो इसका एविडेंस, इज इट क्लियर? तो एविडेंस जब डिस्कस होगा मीटिंग में तो ऐसा एविडेंस होना चाहिए कि उसके आगे उनके पास बोलने में कुछ होना ही नहीं चाहिए, काउंटर पार्टी में उन्होंने एक ही बात बोलनी चाहिए यस सर वी एक्सेप्ट, इज इट क्लियर? अरे ऐसा ना, ऐसा ऐसा एक रात में नहीं होता, इसके लिए आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी बैक एंड पे, क्योंकि वो भी बहुत प्रोफेशनल रहते हैं, वो भी बराबर छुपा के करते हैं। कंसीलमेंट विद कोलिजन, कंसीलमेंट मतलब छुपाना, कोलिजन मतलब साजिश, साजिश के तहत छुपाया जाता है ताकि ये बात मामला सामने ना आए। बराबर वो वाउचर को मिक्स कर देते कहीं तो और ऐसा वैसा, वो तो बराबर प्लानिंग करते आपको समझने का आर्टिकल और आप भी बराबर ढूंढ के लाते, या आपने गलती से बता भी दिया कि किसी को, जैसे कि इसने दोनों ने फ्रॉड किया इसको बता दिया यार वो वाउचर में फ्रॉड हुआ है, ये लोग इसको पता था यार ये ऑडियो को पता चल गया वाउचर गायब कर दे उसकी जगह दूसरे डाल दे ऐसा कर दे, तो आपको शांतता बनाई रखनी हर चीज डिस्कस नहीं कर, इसलिए आपको इंडिपेंडेंट रहना आ रही है बस, नहीं तो आप उनको मौका दे दोगे ना करेक्ट करने का, फिर वो जाके करेक्ट कर देंगे फ्रॉड आपको भी पकड़ ही नहीं पाओगे। जैसे कि कैश वेरिफिकेशन, आगे हम देखेंगे कैश वेरिफिकेशन करना है तो सरप्राइज होना चाहिए कि पूरे गांव को बोलते जाओगे सरप्राइज, अगर आपने बैंक को पहले बता दिया हम 3 दिन बाद कैश चेक करेंगे तो बोले ठीक है टैली करके रखते, अब जितनी कैश शॉर्ट है उतनी वो बाहर से मंगाएंगे, आप जाओगे हाँ भाई टैली है लाओ मशीन में रखेंगे 10 करोड़ टैली ओके फाउंड वेरीफाइड एंड फाउंड करेक्ट होगा सर ऑडिट, हाँ चलो जितनी कैश शॉर्ट उतनी लेके जाओ, क्या फायदा आपके ऑडिट का, ऐसा ना आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So these are some tricks and techniques which you will learn during the audit. Chalo. Sir, haan. Sir, aapne abhi bank audit book shortage ka bola, lekin usme transaction bhi change ho sakte hai. Kisme? Wo jitna short hua hai paisa aayega. Wo bahut bada process hai, wo apan bank audit mein dekhenge. Wo dekhenge bahut bada process hai, itne aasani se nahi deta hu. Uske andar even if but bahut sare. Theek hai? Tisra point. None of the entries has been omitted. कोई भी एंट्री छूटनी नहीं चाहिए, ये कौन चेक करेगा? ऑडिटर। तो पहला काम क्या देखना है तुम्हें? हर एंट्री रिकॉर्ड हुई क्या? दूसरा क्या देखना है? हर एंट्री के लिए क्या है? जैसा ना इसमें लिख लो एग्जांपल बिल वाउचर्स, हर एंट्री के लिए क्या होना चाहिए तुम्हारे पास? बिल या वाउचर। None of the entries omitted. कोई भी एंट्री ओमिट नहीं होनी चाहिए। Next, information conveyed by statement is clear and unambiguous. Clear और unambiguous का मतलब क्या होता है? Ambiguity नहीं होनी चाहिए। Doubt. I think there is an error. ऐसे लिख सकते हो क्या बिल्कुल? The financial statement may provide a true and fair. तुला कैसे लगा रहा? ये तो हमारे माहिती होता है ना, हमको तो पता ही था ना, हमको मे से मस्ट पे जाना है। Does provide? Is it clear? Are you getting my point? तुम्हें मैं और ये होने चाहिए। तुमने audit किया, opinion दो। Correct है? चलिए। The financial statements, amounts are properly classified, described and disclosed in conformity with underlying accounting standards. तो किसके हिसाब से बनाओगे? Yes. और लास्ट में तुमको ये बताना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द ऑपरेशनल रिजल्ट्स ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड फेयर एंड ट्रू एंड करेक्ट, डू यू नो क्या है? So can we say in one line, true and correct is absolute, true and fair is reasonable. खत्म, इतना याद रखो बस। Is it clear? तो आप correct कभी भी नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते हो? अब मेरा और एक question, हाँ तुझे संबोधित नहीं होता। अगर कोई department है, government department है, उसके आप auditor बोल के appoint, नियुक्त, चयन किया गया है आप, ठीक है?
ये वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक ऑफिस है, इसमें जो फैंस है कितने फैन दिख रहे हैं आपको, छह, बराबर है, यस, छह फैंस है। ये एक एक फैन 50-50 हजार का है, ऐसे मेरे पास बिल है, मेरे पास बिल है, बिल भी है, यस। आप आए, आपने बोला ये फैन, मैंने बोला सर बिल देखो, बोले 50 हजार का फैन आता है, मैंने कहा बिल लो, ये बिल लो ना सर, आपका काम क्या ऑडिटर, हमने एंट्री रिकॉर्ड की है, पार्टी को पेमेंट दिया है, टीडीएस काट के दिया है, जो इनवॉइस है उसमें पार्टी ने हमें इनवॉइस में जीएसटी लगाया, मतलब पार्टी ने जो बिल दिया है वो जेन्युइन है, फैन आपको दिख रहा है, मतलब परचेज के घर पे नहीं लगाया है, आपको क्या क्वेरी, बोले 50 हजार का क्या आता है, मैंने कहा नहीं आता, ऐसा कहा ऑडिटर को, मैं ये सब जवाब दे रहा हूँ, और आप ऑडिटर आपका क्या इस पे कॉल रहे, सब कुछ करेक्ट है लेकिन फेयर है, बीइंग करेक्ट इज समटाइम्स मैथमेटिकली करेक्ट एंड बीइंग फेयर यस और नो इज द कॉर्पोरेट वे। डियर पार्टिसिपेंट्स प्लीज बी म्यूटेड, जाने अनजाने में अनम्यूट हो जो हो रहे हैं, ठीक है, एनी डाउट स्टिल नाउ, यस और नो, इज इट क्लियर, तो फेयर मतलब क्या समझ में आया, फेयरनेस इन अ ट्रांजेक्शन। अब कोई किसी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन करता है तो वो करेक्ट है, क्योंकि जब अपन किसी पे ऑब्जेक्शन लेते लोग क्या बोलेंगे, मार्केट में कोई चीज 100 रुपए की है तो वो हम 500 रुपए में ले रहे हैं, ये करना कहाँ गलत है, कौन सा लॉ मुझे रोकता है, मेरे पास इनवॉइस है, मैंने पार्टी को पेमेंट किया है, मेरे पास सब है, कौन सा लॉ मुझे रोक सकता है, तो वही लॉ ऑफ फेयरनेस है, जो वर्चुअल लॉ, ये कोई रिटर्न लॉ नहीं है, ट्रांजेक्शन हमेशा क्या होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये फेयरनेस हटा दे तो ऑडिट को मतलब ही नहीं, फिर ऐसा ना, ये हर कोई क्या करेगा, इनवॉइस इन्फ्लेट करेगा, हायर रेट पे परचेस करेगा और इनडायरेक्ट बेनिफिट करेगा। अब आपको लगता है ये फैन 2-2.5 हजार तक अच्छे से अच्छे लिया तो 4 हजार, एकदम भारी है तो 6 हजार, बस ये टाइप का, बराबर, रिमोट रिमोट के साथ, लेकिन आप 44,000 ज्यादा दे रहे हो तो ये बात ऑब्वियसली श्योर है कि जो वेंडर है वो उस ऑफिसर को या उस पर्सन को कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट बेनिफिट दे रहा है, डू यू एग्री, और गवर्नमेंट का पैसा या उस कंपनी का पैसा इस तरीके से वेस्ट हो रहा है, डू यू एग्री विद इट, तो इसलिए अपने को जो पिक्चर देखना है वो ट्रू एंड फेयर है। अभी तक के जो हमने पढ़ा इससे आपको क्या लगता है कि आपका काम कैसा रहेगा, ऑडिट इंटरेस्टिंग, कितने लोगों को लग रहा है कि ऑडिटर फ्रॉड ढूंढने का काम करते, और कितने लोगों को लगता है कि ऑडिटर सिर्फ ऑडिट करते, ये कितने लोगों को लगता है ऑडिटर दोनों का मेन काम है, ऑडिट करना है कि फ्रॉड करना, देखो फ्रॉड ढूंढना है कि ऑडिट करना, ऑडिट करके फ्रॉड करते करते फ्रॉड ढूंढना करते ही रहे और फ्रॉड नहीं ढूंढ पाए तो होगा मन लेने का, व्हाट इफ तुम्हारा ऑडिट खत्म होगा फ्रॉड मिला ही नहीं, और तुम्हारा ऑडिट खत्म होने के बाद फ्रॉड मिला, तो वो सैंपल क्यों चूज नहीं किया जिसमें फ्रॉड था, मैं एयरसा का प्रेसिडेंट, एयरसा पता ना ऑल इंडिया रिटायर्ड शेयर होल्डर एसोसिएशन, मेरा ड्रीम है, मैं रिटायरमेंट के बाद एक एसोसिएशन बनाने वाला हूँ, ऑल इंडिया रिटायर्ड शेयर होल्डर एसोसिएशन, आवर राइट इज आवर लिविंग, हमारा फोटो रहेगा, ठीक है, तो फिर मैं हर ऑडिटर को पकड़ूंगा, जाया क्या पूछूंगा भाई, तेरा ऑडिट होने के बाद कंपनी में फ्रॉड मिला, तू पैसे दे हमको, तेरे वजह से लॉस हुआ, तेरे वजह से शेयर फेल गया, आपका डिफेंस क्या होगा, क्या नाम है ऑडिट का, तो फ्रॉड फ्रॉड ढूंढना ऑडिट में नहीं आता है, नहीं आता है, फिर इस तरीके से आप देवी जी बोल रहे हैं, फिर तो हम चेक करेंगे फ्रॉड मिला तो स्किप कर देंगे और बाद में बोल देंगे सैंपल भी नहीं आया, आपको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, हम चेक करेंगे, मेरे को लगा इसमें क्या है फ्रॉड, वो सैंपल छोड़ देने का, दूसरा चेक करने का, फिर किसी ने इल्जाम लगा तो क्या बोलने का, हमने तो क्या किया
सैंपलिंग। और भाई जिंदगी में कुछ भी कर लो कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा, इस तरह ऑडिट कितना भी कर लो कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। ठीक है चलो अंकल चलो घर, कुछ नहीं रहता थोड़ा नीचे आया शेर जाएगा ऊपर, जाओ घर जाओ सो जाओ जाओ। ये जवाब देंगे आप। तो अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि अब ये चीजें होने लगी, तो फिर गवर्नमेंट ने बोला कि यार एक प्रॉब्लम है, अपन जब ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं तब अपन इन्वेस्टर्स को ये बात क्यों नहीं बताते, क्या हमारा जो ऑडिटर है इसने हर चीज चेक नहीं किए। हाँ ये पॉइंट सही है, तो अब ऐसा ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट बनाओ जिसमें ये सब लिखा हो, तो कल जाके कोई रिटायर्ड शेयर होल्डर वगैरह जो भी है उसका कोई भी आदमी आके ऐसा सीए के ऊपर आवाज नहीं कर सकता। आई बात समझ में? तो अभी तक जो पिक्चर बना है इसमें क्लियर ऑडिटर एट फॉल्ट, बराबर है ना? तो अब तुम देखिए, देखने की कोशिश करो यहाँ पे और समझो थोड़ा सा। एएल का जो ऑडिट रिपोर्ट है ये समझिएगा, एनडीए थ्री थ्री सेवन बता गया ये बताए तो जस्ट बात निकली इसकी मोटिवेशन। कुछ नहीं जी बस मोह माया छोड़िए। Those services permitted under section 144. These are services other than 144, ना? 144 में कुछ prohibited है, याद है ना? वो छोड़ के आप दे सकते हैं वो सर्विस। जैसे कि कंपनी को लिटिगेशन में रिप्रेजेंट करना अलाउड है, बुक कीपिंग अलाउड नहीं है। अच्छा 144 क्या है ये बता दो आपको पहले। सर्टेन मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑडिटर टू द कंपनी, ऐसा ना हो if the service are provided by an auditor to the any company then such person shall not be appointed as an auditor by that company, barabar na? wo theek hai jo chalo to aage badhte hain, main aapko fatafat bata deta hu our competitive strengths. ek minute main audit report bata do aapko, just bahut bada report yaar ek to hai. मिल गया इंडिपेंडेंट सब पे, तेरा ऑब्जेक्शन है क्या? किसी का किसी भी वर्ड का ऑब्जेक्शन है तो कृपया सबमिट टू मी इन राइटिंग विद एन एफिडेविट, जो आप लेटर ऑन टर्न ऑन नहीं कर सकते। टर्न ऑन का मतलब है जो आप रिफ्यूज नहीं। देखिए इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, अभी पता है ना आपको ऑडिट रिपोर्ट कैसा होना चाहिए? लाइव एप्लीकेशन है, देख लो अपना सब्जेक्ट ऐसा है। इधर राजा रानी की कहानी नहीं चली या प्रेमचंद मुंशी का इधर या कुछ चालू नहीं, बिल्कुल कोई नहीं का कविता नहीं चल रही ऐसा ना। एड्रेस किसको किया रही? भोले वाले इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन करने वाले। अब प्रॉब्लम ये है दोस्तों, देखिए जो
ऑडिटर है वो देखिए क्या बोल रहा है। यहां से पढ़ेंगे और क्या बोल रहा है देखिए। बिफोर यू रिलाय ऑन ऑडिट रिपोर्ट यू शुड रीड ऑडिट रिपोर्ट। वी कंडक्टेड आवर ऑडिट ऑन द स्टैंड अलोन फाइनेंस। स्टैंड अलोन मतलब एक कंपनी, जब एक कंपनी की बहुत सारी ब्रांचेस होती है कौन सो सब्सिडियरी वगैरह वगैरह तो कंसोलिडेटेड होता है। स्टैंड अलोन मतलब सिर्फ वो कंपनी। तो हमने स्टैंड अलोन का ऑडिट किया इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग स्पेसिफाइड अंडर 143(10) जो मैं आपको पढ़ाऊंगा एसएस। आवर रिस्पांसिबिलिटी, देखो जिम्मेदारी क्लियर बता रहा है हमने क्या किया कैसे किया किसके हिसाब से किया। आवर रिस्पांसिबिलिटी अंडर दो स्टैंडर्ड आर फर्दर डिस्क्राइब्ड इन ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी। मतलब आगे एक पैरा है, इसका नाम क्या पैरा का वो पढ़ लेना जाके, ऐसा बोल रहे हैं। For the audit of SFA, we are independent of the company in accordance with code of ethics, जो chapter number 11 में आपको पढ़ाऊं। Together with the independence requirement that are relevant to our audit of the SFS, मतलब self-standard financial statement, and we have fulfilled other ethical requirement in accordance with these requirements and code of ethics. We believe that audit evidence we have obtained, audit evidence के बेस पे क्या देते हैं audit opinion, याद है ना? So, we believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate. जो अभी आपने पढ़ा, sufficiency is the measure of quantity, appropriateness is the measure of to provide a basis for a qualified audit opinion. Qualified opinion is a type of modified opinion. हिम्मत तो है, लिख दिया। Okay, it does not present a कौन सा ओपिनियन दे रहा है ढोकला? और अब इसका क्या दिया उसने? क्यों क्यों अपन कहा सब आप कंपनी से? अरे सांग तेरी, ऐसा ना ये क्वेश्चन आपके दिमाग में था। आइए, एज डिस्क्राइब इन नोट 59, नोट मतलब क्या नोट्स टू, उसमें कुछ तो लिखा है। The accompanying statements management has represented to us, मतलब management ने हमें बताया क्या? That Adani Group has performed an internal assessment, किस चीज का? And has obtained an independent, क्या independent? Assessment from a law firm, which firm? Law firm. अच्छा, independent assessment of a law firm. However, pending the completion proceedings before the Honorable Supreme Court and investigations by regulators, we are unable to comment on the possible consequential effect thereof. इसका मतलब हमने इनसे पूछा क्या तुम्हारे खिलाफ कोई केस चालू है, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ हमने एक लॉ फर्म से बात की है केस चालू है लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऑडिटर बोल गया क्या भाई हम श्योर नहीं है, इन्होंने हमें बोला कि लॉ फर्म से इन्होंने असेसमेंट किया लेकिन नोट हमें कोई रिपोर्ट भी नहीं दिया, और ऐसे ही दिल से बोल रहे कि हमने देख लिया कोई प्रॉब्लम नहीं, तब जाके केस हार गए और उसके पॉसिबल इफेक्ट से गोइंग कंसर्न खतरे में आ गया तो रिटायर्ड शेयर होल्डर हमको पकड़ेगा। अब सच में सोचो इंडियन बैंक का इशू जो था वो अगर हिट हो जाता, हिट मतलब इसकी हिट बढ़ जाती, हीटेड इशू, ज्वलंत बर्निंग इशू हो जाता और सच में इसका शेयर प्राइस अगर गिर जाता, इज इट क्लियर? ऐसा ना तो कहीं ना कहीं जो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है इसको कई सारे लोग कटघरे में खड़ा करते कि 4,000 रुपए का शेयर का प्राइस था और तुम कुछ नहीं बोले, तुम सो रहे थे, एक हिंट भी नहीं दे पाए तुम, जबकि लॉ फर्म जो थी उसने खुद ने बोला कि कंपनी के ऊपर केस चालू है। तुमने ऑडिट रिपोर्ट में लिखा क्यों नहीं कि कंपनी पे केस चालू है? वो पढ़ के हमने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया था। आर यू गेटिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन? ऐसा ना, अनफॉर्चुनेट पार्ट लोग एनुअल रिपोर्ट के अंदर से फोटो ही देखते हाँ ऐसा ब्लेजर गया था लगना ऐसा ब्लेजर गया था, अरे मतलब वो चेयरमैन और डायरेक्टर उनकी ब्लेजर देख रहे हो, रफ पेज यूज कर रहे, रफ पेज जय वाला, हाँ अरे मतलब आता वो कोई पढ़ ही नहीं रहा है। फाइनेंशियल इलिटरेसी इतना कौन पढ़ेगा, तू ही पढ़ेगा ना भाई, तेरा पैसा हम पढ़ेंगे क्या? आई बात समझना, इज इट क्लियर और नॉट? ये हालात। अब एक पैरा जो है वो पढ़ना जरूरी है जिसमें ऑडिटर ने सुरक्षा कवच डाला है अपने आजू बाजू, वो पैरा का नाम क्या है? ऑडिटर्स, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। जो लोग ऑडिटर को कटघरे में खड़ा करके सवाल पूछने वाले, क्यों भाई सब कुछ चेक क्यों नहीं किया,
उनको बोलूंगा मैं, इधर इधर आए थे, एनुअल रिपोर्ट आया था क्या घर पे? हाँ आया था, क्या किया उसका? रफ पिच निकल लो और एनुअल रिपोर्ट बाहर निकल, आ जाओ पढ़ो अभी मैंने क्या लिखा था एज एन ऑडिटर। आवर ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन, मतलब मैंने ऑडिट रिपोर्ट में लिख दिया था मैंने हर चीज चेक, इसलिए अगर कुछ छूट गया तो मैं जिम्मेदार। अबाउट वेदर द एस एफ एस आर फ्री फ्रॉम एम एम एस और नॉट, मटेरियल मिस्टेटमेंट को एम एम एस बोलते हैं इसी शॉर्ट में, ठीक है, मटेरियल मिस्टेटमेंट बहुत बड़ा बोलते हैं शॉर्ट में बोलते हैं, आर फ्री फ्रॉम एम एम एस और नॉट। तो मेरे को रीजनेबल एश्योरेंस देना था वेदर एफ एस आर फ्री फ्रॉम एम एम एस और ड्यू टू फ्रॉड और एरर एंड टू इश्यू एन ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट इंक्लूड्स आवर ओपिनियन। रीजनेबल एश्योरेंस क्या वो भी डिफाइन कर दिया, रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल एश्योरेंस बट इट इज नॉट अ गारंटी दैट ऑडिट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद एसएस विल ऑलवेज डिटेक्ट टू एमएमएस। खत्म, लिख दिया डायरेक्ट, क्या गारंटी नहीं है कि हर चीज को ढूंढेंगे। कहां लिख रहे हम, ये सिलेबस नहीं पढ़ रहे भाई, रिपोर्ट पढ़ रहे एक ऐसी कंपनी का, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस। अरे मुझे भी गलत, नेक्स्ट, अरे टाइम हो रहा है साहब, बस कुछ नहीं। मिस स्टेटमेंट कैन अराइज फ्रॉम फ्रॉड और एरर, कंसीडर मटेरियल वगैरह वगैरह। अब आगे ये इतना तो आपको समझ में आ गया, ये देख के इज इट क्लियर कि भाई ऑडिटर ने खुद को क्या किया बहुत। आगे अपन पढ़ेंगे जहां पे ऑडिटर ने ये भी लिखा है सिलेबस के साथ साथ, क्या लिखा है सर, वी कंडक्टेड आवर ऑडिट यूजिंग सैंपलिंग एंड देयर इज ऑलवेज रिस्क समथिंग मे लेफ्ट अनडिटेक्टेड, ये भी लिख दिया ऑडिटर, इज इट क्लियर। तो कल अगर कोई मेरे घर पे मोर्चा लेके आता है शेयर होल्डर एसोसिएशन का, हमारी बाकी पूरी करो, स्पेसिफिक डैमेजेस, आवर डिविडेंड, आवर राइट, ये वो, तो मैं उनको यही बोलूंगा भाई तुम सब लोग पढ़े लिखे हो इसलिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए हो, अब जाके एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ लो, पेज नंबर दे दूंगा ये, यहाँ से यहाँ तक ये पैर, उसके बाद तुम्हारे एडवोकेट को बोलो, अगर एडवोकेट ने बोला कि सीए के ऊपर केस करो तो कर देना, नहीं तो वैसे ही घर पे चले जाए। अब एडवोकेट ही पढ़ने के बाद क्या बोलो भाई, उसने ये लिखा था कि तुम जब भी पढ़ो, जब भी इन्वेस्ट करोगे मेरा रिपोर्ट पढ़ लेना, और रिपोर्ट में तो लिख दिया उसने कि मैंने सब कुछ चेक, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी इन्वेस्ट करते वक्त ये सोचना कि भले ही कंपनी की पोजीशन ये दिख रही हो लेकिन इसमें हर फ्रॉड ऑडिटर ने ढूंढा, हर मिस्टेक को ऑडिटर ने ढूंढा, ये ऑडिटर की सबसे बड़ी लिमिटेशन। मैनेजमेंट कैन फूल यू इजीली, दे कैन फूल यू इजीली, रिलेटेड पार्टी आप ढूंढ ही नहीं पाओगे कभी, बिकॉज रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन क्या पता, एनी पर्सन हु इज इन अ कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस अदर इज रिलेटेड पार्टी। Any person who is in a capacity to influence you is a relative. अब ये भाई साहब किस से इन्फ्लुएंस हो रहा है कैसे पता करेंगे, ऑडिटर को स्पाइंग करना पड़ेगा, जासूसी, हेलो हेलो अल्फा चाल माइंस बॉक्स निकला, गोली घोड़ा पहुंचा रहा है, हाँ अभी फोन करके किसी को तो बुलाया, बिल सामने वाला दे रहा है, रिलेटेड पार्टी, एक मिनट नहीं पहले बिल देके बाद में वसूला, नहीं नॉट रिलेटेड ये करेंगे आप, How you will come to know? Is it possible? अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे husband wife है, इतने होशियार लोग हैं शादी के पहले के नाम का पैन कार्ड वही यूज करते, ऐसा ना, शादी के पहले के नाम का पैन कार्ड कैसे समझेगा, समझेगा पॉसिबल है, शादी होने के बाद भी पैन कार्ड आधार कार्ड अपडेट नहीं करते जानबूझ के, आरपीटी में पकड़ा जाएगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इतने शातिर लोग हैं। आप ऑडिटर के सबको पूछेगा जहां भी फीमेल नाम दिखेगा, ये वाइफ है, ये वाइफ है, ये वाइफ है, उसको सिर्फ इतना हिंट है, उसको सिर्फ इतना हिंट है, क्या हिंट है कि कोई तो एक पर्सन है जो ट्रांजेक्शन हुआ है और वाइफ के साथ इसने कुछ तो आर्म्स लेंथ प्राइस से ज्यादा पे ट्रांजेक्शन किया, ढूंढेगा कैसे, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस ऑर नो,
तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे इश्यूज है, इसलिए ये आपको मानना पड़ेगा और डाइजेस्ट करना पड़ेगा कि ऑडिटर कैन गिव ओनली 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 रीजनेबल एश्योरेंस. इज क्लियर? बट रीजनेबल एश्योरेंस इज नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, बट इट इज अ हाई लेवल एश्योरेंस, मतलब अच्छी खासी गारंटी है. ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल रहे, गारंटी भी दे रहे अच्छी खासी होती, पर 100% से थोड़ी. इज क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी किसी को कुछ पूछना है, किसी के दिल में कुछ ख्याल है? हाँ, मॉडिफाइड ओपिनियन दे सकता है, लेकिन उसको उसका बेसिस देना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा. ऐसे वेग नहीं बोल सकते आप. जैसे इसने अडानी के जो ऑडिटर है उसने कितना स्पेसिफिक लिखा, नोट नंबर 59 के अंदर तुमने ये लिखा, मेरे को ये ऑब्जेक्शन था इसलिए मैंने ये बोला. तुम ऐसे नहीं लिख सकते, आई थिंक देर आर सम प्रॉब्लम्स, मैनेजमेंट इज नॉट टेलिंग टू मी, हेंस आई एम गिविंग दिस. ऐसे नहीं स्पेसिफिक. क्या नहीं बोल रहा है मैनेजमेंट, क्यों नहीं बोल रहा है? अब मैं एक ऑडिट कर रहा हूँ, उसके अंदर हम रिपोर्ट ही नहीं दे पा रहे, ऑडिट हम खत्म ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम जब भी जाते मैनेजर वहां पे कुछ ना कुछ हंगामा कर रहा है, भाग जा रहा है. मुझे मैनेजर पे डाउट आ रहा है, बैंक ऑडिट है, बैंक ऑडिट है, उसमें मैनेजर का जो लेजर है उसके अंदर ही बहुत सारे ट्रांजेक्शन. मैंने कहा इसका कैश का सोर्स क्या है वो तो बता, और कैश तो नहीं, कैश डालता है दूसरे दिन विड्रॉ करता है, फिर डालता है फिर विड्रॉ करता है, ऐसा कर क्यों रहे वो तो बता. वो भाग जाता है वहां से जब भी हम गए, 7-8 बार हो चुका है. अब इसको मैं बोल के आया हूँ कि वी विल बी इशूइंग क्वालिफाइड ओपिनियन स्पेसिफाइंग दैट वी हैव विजिटेड सो मेनी टाइम्स, मैनेजमेंट हैज नॉट कोऑपरेटेड विद अस. समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं. ऑडिटिंग प्रोवाइड्स एश्योरेंस, इट्स अ बेसिक नेचर लाइज इन प्रोवाइडिंग एश्योरेंस वगैरह वगैरह. सच एन एश्योरेंस लेंड्स टू क्रेडिबिलिटी ऑफ एफएस. Audited FS provide confidence to user that FI reflected in FS can be reliable. So financial information जो होती है, example inventory, quantity of inventory करो, quantity of inventory, financial information का हम यहाँ पे लिख रहे हैं part, quantity of inventory. Number of employees, इत्यादि etcetera. चलिए बढ़े आगे. सर मेरे को ऑडिट करना है, तो अभी हम 4G बिल्कुल रेडी सर, मुझे किस किस चीजों का नॉलेज आना चाहिए, ज्यादा नहीं? कुछ बचा के देख लो. पहला तो किसका नॉलेज आना चाहिए? देखो एक सिंपल लॉजिक मेरे को समझता है, कॉमन सेंस वाला. ऑडिट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन सेंस भाई, जिस चीज की आप मिस्टेक निकाल रहे हो पहले तो आपको तो आनी चाहिए. ये ऑडिट छोड़ दो कोई भी चीज, बराबर है? यस और नो? कोई भी चीज, यस. जैसे कि अभी एग्जांपल कि भाई आपको कोई बैंक ऑडिट के लिए हम भेज रहे हैं, पहले आपको तो एनपीए का टर्म पता होना चाहिए, क्या होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्या है कैसे. आप जाके वो अकाउंटेंट को और मैनेजर को उनके ऊपर आप बोले तुमने कैसा स्वैप तो कर रही हूँ ऐसा वैसा, और अगर उन्हें थोड़ा भी हिंट लग गया कि आपको पता नहीं, यार कौन, और बहुत मजे लेते लोग, बहुत मजे लेते लोग जान बुझ के कुछ भी सवाल पूछे. मेरा एक जूनियर आर्टिकल था, मैं एक लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहा था, उसको जान बुझ के उन्होंने ट्रैप कर लिया. बोले कस्टम का क्या रहता है बता, तो एक्साइज का, तब एक्साइज था 2017 की पहली की बात है, उसको ये कर रहे वो कर रहे फुल, उसको डेफर्ड टैक्स क्या होता है ये मैंने देख लिया. मैंने कहा थोड़ा इसको जलील भी तो होने, तो इसको समझे तो सही रैगिंग क्या होती है, तब बचाएंगे इसको. इसको बहुत ये हुआ चेहरा हुआ होगा, क्या होगा अभी, क्या होगा? बोले कुछ नहीं सर. मैंने कहा आप समझा, मेरे होमवर्क करके आने का थोड़ा. सर क्या होमवर्क? मैंने कहा जो कंपनी का ऑडिट कर रहा है इसको कौन से लॉज एप्लीकेबल है, इसका थोड़ा तो नॉलेज तुम्हें होना, नहीं तो तुम्हारी रोज बेइज्जती होगी. क्योंकि जो लोग जिनकी तू मिस्टेक निकाल रहा है वो 25-25 साल से वो काम कर रहे हैं, और तुझे अभी तक इस दुनिया में आए 25 साल नहीं. इज इट क्लियर? तू कैसे मिस्टेक निकालेगा? हाँ सर ये बात तो है, इसलिए तुझे एटलीस्ट उनकी इतना तो नॉलेज देना पड़ेगा टेक्निकल, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अलग चीज. आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
अरे ऐसा ना, एग्जाम्पल कमर्शियल प्रॉपर्टी लेट आउट होती है तब भी टैक्सेबल एचपी में होता है, अदर सोर्स में होता है कि एचपी में होता है, इसको बोलते हैं टेक्निकल नॉलेज। तो अगर कोई आपको पूछे सर हमारा मोबाइल टावर रेंट पे दिया है, अदर सोर्स में आएगा ना सर, रेंटिंग ऑफ मशीनरी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्यों अदर सोर्स में क्यों नहीं आएगा, एचपी में क्यों? अब समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? इसलिए आपको या सुनो, इन सब जो हम चीजें पढ़ रहे हैं इनका नॉलेज होना जरूरी। तो पहले तो आपको किसका नॉलेज होना चाहिए? अकाउंटिंग। उसके बाद किसका? एग्जांपल कंपनी एक्ट 2013, आईटी, मेरा भी ले लू क्या? अपना अपना प्रमोट करो। जीएसटी, इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, मतलब बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, फाउंडेशन तक मतलब सीपीटी तक, बाद में छूट गया। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन, आई वाज इन केडीएचएम कॉलेज, हमको सर ने एग्जांपल दिया था, मेरे को भी उठाया, बोले क्या होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन, तो बोले एक एग्जांपल दे। सर मैं बहुत सोचा है, सर एक सॉन्ग है, मान एक सॉन्ग अगर आप पहली बार सुनोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जितने बार आप सुनते हो उसके मजा आना कम हो जाता है। बोले सर कौन सा सॉन्ग है बेटा, वो मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब 2008 की हिट सॉन्ग देख लिया ना, नेचुरल कोई। यस एग्जांपल लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब क्यों पता चाहिए, क्यों इसका नॉलेज होना चाहिए? भाई लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई पता नहीं आपको तो आपको समझेगा कैसे कि डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। इज इट क्लियर? सप्लाई अगर कम हो रहा है तो प्राइस क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। अगर कोई चीज का सप्लाई कम हो रहा है और कंपनी प्राइस कम नहीं कर रही है तो आपको कंपनी को बताना पड़ेगा, भाई तू कॉम्पिटिशन में टिक नहीं पाएगा क्योंकि तेरे से सस्ता प्रोडक्ट बिक रहा है। और अगर तेरे को ये लॉ ऑफ सप्लाई नहीं पता बेसिक, तेरी कंपनी बंद हो जाएगी। कंपनी बंद हो गई तो एक चीज खतरे में आ जाएगी, इसे क्या बोला जाता है? गोइंग कंसर्न। और गोइंग कंसर्न खतरे में आया तो मुझे लिखना पड़ेगा और कौन सा ओपिनियन देना पड़ेगा? मॉडिफाइड। और मैंने दे दिया मॉडिफाइड तो फिर कंपनी सच में बंद हो जाएगी क्योंकि शेयर होल्डर अपने शेयर क्या करना शुरू करेंगे और तेरी प्राइस क्या होगी? तेरे जो ये मार्केट में वो इस तरह से कम नहीं होगी, ऐसे ऐसे कम होगी। इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए आपको ये चीज का नॉलेज होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है बिहेवियरल साइंस। एग्जांपल लिखो यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स जो आपको आर्टिकलशिप में सिखाए जाते हैं, टीम को लेके चलना, लीडरशिप एंड ऑल दैट, ये सब इसमें आता है। सब्जेक्टिव चीजें वैसे तो, कैसे आपने आर्टिकल के साथ मिलके काम करना है, सीनियर आर्टिकल हो तो जूनियर के साथ कैसे काम करना है, जूनियर आर्टिकल के प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है, सीनियर्स को कैसे रिक्वेस्ट करना है, कैसे उनके साथ मिलके काम करना है, ऑल दैट, ठीक है। क्लाइंट से डेटा कैसे लेना है, अल्टीमेटली देखो तुम्हें अगर ऑडिट करना है तो तुम किसके डेटा पे काम करोगे? क्लाइंट के। तो क्लाइंट ने डेटा नहीं दिया तुम क्या कर लो? कुछ कर सकते हो? तो तुम्हें आप ऐसा नहीं बोल सकते तुम, ठीक है हम ऑडिट नहीं कर रहे, हम जा रहे घर। अब ऑडिट तो करना है ना, काम तो करना है, ऐसा ना तो आपको एक मिडल वे निकालना होगा। इस तरीके से बात करो कि क्लाइंट आपको डेटा भी दे और बच्चे काम भी करे आपके साथ, क्लियर है? ऐसा ना, इसलिए मैंने एक बात देखी है जो मुझे मेरे सीनियर ने सिखाई थी, बिग फोर में सिखाई थी, कि जब भी क्लाइंट आपसे कोई गलती हो क्लाइंट की रिलेशन में तो आप अपोलोजाइज कर दो। प्रॉब्लम क्या, अपने फ्रेटर्निटी में ईगो इतना खतरनाक रहता है, स्टूडेंट का तो और ज्यादा होता है, मेंबर से ज्यादा स्टूडेंट का रहता है। थर्ड ईयर वालों का कुछ ही मत, पैर नहीं टिकते ऐसे जमीन पे, इतना खतरनाक होता है ना, वो कभी ये एक्सेप्ट ही नहीं करता कि मेरी गलती है। क्लाइंट को ही बोलता है आपका, आपने ये नहीं दिया, आपने ये दिया तो ये नहीं दिया, आपने टाइम भी दिया इसलिए नहीं हुआ, ऐसा वैसे। वो जब भी गलती हो आप अपोलोजाइज करो, क्योंकि आप जैसे अपोलोजाइज करोगे सामने वाले का ईगो खत्म हो जाएगा। ये बिहेवियरल साइंस उन्होंने मुझे सिखाया। अब इसका फायदा मुझे क्या होता है, जहां पे हमारी गलती नहीं भी होती और क्लाइंट की गलती होती है ना, वहां भी हम जानबूझ के सॉरी बोलते हैं, ओ नहीं सर आमच्याकडनं राहिलं, ठीक है। क्लाइंट को खुद को रियलाइज होता है, क्या रियलाइज होता है कि गलती हमारी। इज इट क्लियर? ये बिहेवियरल साइंस। फिर बाद में
दो पैसे ज्यादा भी लगाओ तो दे देता है, मतलब इन शॉर्ट समझेंगे नहीं। नेक्स्ट, ये तो आपका फेवरेट है, किसके लिए काम आएगा? इज इट क्लियर? इसके ऊपर मैंने ना अपना टॉप 20, टॉप 50, हाउ टू चूज अ सैंपल, हाउ टू सिलेक्ट अ सैंपल। यूज ऑफ आईटी इन ऑडिट, इसको बोला था डेटा प्रोसेसिंग। ये एक नया कॉन्सेप्ट आजकल आ गया है कि ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर, ऑडिटिंग विद द कंप्यूटर। एग्जांपल लिख लो इसका, कैट। व्हाट इज कैट? कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। क्या बोलेंगे इसे? कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। कुछ नहीं मतलब कंप्यूटर का हेल्प लेके ऑडिट करने का, वैसे ही करते लोग, नया कुछ नहीं, नाम फैंसी। बिना कंप्यूटर के कोई ऑडिट करता है क्या लैपटॉप के आजकल? करता है कोई? हमने पुणे में बैठ के ऑडिट किया 4 कंट्रीज का, वोडाफोन के लिए, इटली, माल्टा, ग्रीस और कोई तो शायद थी यूरोप की, वोडाफोन की, जब मैं था वोडाफोन के लिए काम कर रहा था तो वोडाफोन का ऑडिट कर रहे थे, तो वोडाफोन के ये 4 कंट्री का हमने पुणे में बैठ के ऑडिट किया। इज इट क्लियर? सो वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द काउंटर पार्ट। तो जो मतलब अभी यूके पीडब्ल्यूसी की एक मतलब हमारी कलीग थी हिमा करके नाम, तो ईएमए हिमा करके, तो उससे हम बात करते थे, उसको भी अभी टू मैच द टाइमिंग्स, तो उस सबसे मैच कर बात करते थे, उसको बोलते थे हम कि तू इतने चेक कर लेना, फिर वो वहां से भेजते थे हमको ये चेक कर लेंगे। दिस इज हाउ वी यूज्ड टू डू इट, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये सब क्या है दोस्तों? कैट, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। अब पढ़ेंगे आगे आपका फेवरेट सब्जेक्ट। एग्जाम्पल रेसो, रेसो यहाँ पे एपी लिखो। एपी का मतलब है एनालिटिकल प्रोसीजर्स। क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में लिखो एसए 520। कौन सा एसए है ये? एसए कौन सा है दोस्तों? एसए 520। एसए का नंबर क्या है? 520। सर ये एसए के नंबर याद रखने? यस सर। लर्न करने? यस सर। कैसे करेंगे? आप टेंशन मत, सही समय पे याद कर लो। हाँ जी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, एनालिटिकल। अभी सिर्फ आप एपी पास सर्विस लिखो, जब आप रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। इज इट क्लियर? एक्सक्यूज मी सर, ये 520 लिख दिया आपने तो है कितने? ये ऐसे क्यों बताऊंगा मैं, थोड़ा सस्पेंस। चलिए ठीक है, चट्टा मस्करी कहीं पर ऐसा क्या करता है? चुकी से है ना ये, बताऊंगा मैं सही समय। ठीक है, प्रोडक्शन क्या समझना है हमें, क्या लेना है? हम तो सर कंप्यूटर वाले आदमी, शॉप फ्लोर पे क्यों जाएंगे? एग्जांपल लिख लो यार, वेस्टेज, डिफेक्ट एक्सेट्रा, ये सब देखने का काम किसका है? मेरे भाई ऑडिटर का। ऑडिटर जो है इसको कुछ जगह ऑडिटर भी बोलते हैं। चलो 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 चलो, ठीक है चलिए, ओके ओके यस। ये इंटरडिसिप्लिन के ऊपर सर क्या क्वेश्चन आएगा? इसके ऊपर एमसीक्यू आया तो आएगा, वरना नहीं आएगा। इसके ऊपर एमसीक्यू आया तो आएगा, वरना नहीं आएगा। ये बहुत सिंपल चीज है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है, डोंट वरी। चलिए एक मिनट,
ऑडिटरी दिन यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है तो मैं आपको कराऊंगा, एक बार पढ़ लेते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर में होना चाहिए। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या, अलग अलग डिसिप्लिन में हम एक साथ बात करते हैं, ठीक है। इट ड्रॉज फ्रॉम डाइवर्स सब्जेक्ट लाइक अकाउंटेंसी टू एफएम। सिंस ऑडिट ऑफ एफएस इज रिक्वायर्ड विद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अ साउंड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इज फंडामेंटल रिक्वायरमेंट। सिमिलरली गुड नॉलेज ऑफ बिजनेस लॉज, अंडरलाइन करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बिजनेस लॉज, टैक्सेशन लॉज। आगे अंडरलाइन करेंगे ह्यूमन बिहेवियर, ड्रॉ सैंपल्स, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, फंड फ्लो, ये सब समझने के लिए ऑडिटर को हर एरिया में एक्सपर्ट होना जरूरी है। इसमें किसमें, अकाउंटिंग में, लॉ में, या सर इकोनॉमिक बिहेवियर साइंस, मैथ्स, डेटा, एफएम प्रोडक्शन, ठीक है। तो ले देखे सर बात यह आ रही है कि हमें ऑडिट में करना है, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, बराबर है। तो आपने दो ही ऑब्जेक्टिव, कितने ऑब्जेक्टिव सर, मात्र कितने ऑब्जेक्टिव है, दो। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है सर अपना, टू ऑब्टेन विच एश्योरेंस, कैसा एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए हमें, किस बात का सर, वेदर एफ एस एज ए होल आर फ्री फ्रॉम एमएमएस और नॉट। ये सवाल आपको पूछना है, चलो 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 बस, ये सवाल आपको पूछना है अपने आप, क्या पूछना है, ऑडिटर को खुद से पूछना है क्वेश्चन, क्या वेदर एफएसआर फ्री फ्रॉम एमएमएस, मतलब क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई एमएमएस है या नहीं। अगर बोला हाँ तो फिर चेक करते थे कब तक, जब तक मिल नहीं जाते, सर सब मिल गए अब कुछ बचे नहीं, ठीक है फिर होगा तेरा सर है पर मिल नहीं रहे, सर है पर ढूंढना नहीं, किसों किसों का लेना, तो तुम्हें तब तक नहीं रुकना, जो भी कुछ बच्चे बोल भी रहे थे कि सर ऐसा कैसे, ऐसे तो ऑडिटर छोड़ देगा, लेकिन एक ऑनेस्ट ऑडिटर की हम बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे उन गलत लोगों की बात नहीं कर रहा, ठीक है। एक ऑनेस्ट ऑडिटर जिसको ये बुरा भी लग रहा है इस बात का, यार मैं कितना भी चेक कर लूं कुछ ना कुछ रह जाएगा, उसको क्या करना है, तब तक चेक करते जाना है, तब तक चेक करते जाना है जब तक उसे इस बात की गारंटी ना आ जाए कि अब सिर्फ वही एमएमएस बचे जो अगर रह भी गए तो भी मेरे यूजर्स के डिसीजन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब कल जाके अगर मेरे यूजर्स को पता भी चले कि कंपनी में फ्रॉड है तो वो इतना छोटा होना चाहिए क्या उन्हें इस बात का पछतावा ना हो कि मैंने क्यों पैसे इन्वेस्ट, उस बैंक को इस बात का पछतावा ना हो कि इस आदमी को क्यों लोन दिया, उस गवर्नमेंट को ये ना लगे इस आदमी को क्यों टेंडर दिया, उस शेयर होल्डर को ये फीलिंग ना आए मैं क्यों इसका मेंबर बना, आई बात समझ, तब तक रुकना नहीं है। और सर अगर मिल गई मिस्टेक तो बहुत अच्छी बात है, रिपोर्ट करो, सर आई हैव फीलिंग मैंने कोई एमएमएस ढूंढ ली, आइडेंटिफाई किया, मैनेजमेंट को प्रेजेंट किया, मैनेजमेंट ने एग्री भी किया, हाँ सही बात है, ऑनेस्ट मैनेजमेंट, उन्होंने उसे करेक्ट किया, क्या किया, अब मैंने क्या करना चाहिए,
Should I report? Yes. Or not? No. रिपोर्ट मतलब आई मीन टू से क्या मैं अभी भी रिपोर्ट मॉडिफाइड हुआ क्या अनमॉडिफाइड? अच्छा आपको रिपोर्ट का टैग समझाएगा, मॉडिफाइड मतलब गड़बड़, अनमॉडिफाइड मतलब क्लियर थोड़ी देर के लिए, तो आपने मॉडिफाइड हुआ क्या अनमॉडिफाइड? एक व्यू आ रहा है क्या अनमॉडिफाइड देंगे लिखेंगे ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक है सर प्लीज रिपीट क्वेश्चन, ठीक है आई विल रिपीट इट। सिंपल क्वेश्चन है कि अगर कोई भी ऑडिटर ने कोई मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई किया, वो एमएमएस को ढूंढा, ढूंढने के बाद में मैनेजमेंट ने उसे करेक्ट कर दिया, तो अब ऑडिटर ने क्या करना चाहिए? शुड ऑडिटर रिपोर्ट इट और नॉट? शुड ऑडिटर मॉडिफाई द रिपोर्ट? Whether auditor should modify or not? Yes. Yes or no? No. The answer is no. एक आदमी सुधर रहा है। क्या हम audit report modify करने के लिए करा रहे हैं या mistake ढूंढ के उसको correct करने के? The essence of audit is to correct the FS, not to report the irregularities. हम वो लोग नहीं है जो सिर्फ गलतियों को highlight करेंगे। अरे साहब हम तो जीपीएस है, आप किसी भी गलत राह पे हो वहां से आपको सही रास्ता बताएं। इज इट क्लियर? तो ऑडिटर सिर्फ गलतियां नहीं निकालता, ऑडिटर बोलता है ये गलती हुई है, अगर ऐसा करते हो तो रिपोर्ट नहीं करूंगा, अगर ऐसा नहीं किया तो रिपोर्ट करो। इन्वेंटरी के अंदर प्रॉब्लम है, 10 टीवी नहीं मिल रहे, कहां गए? सर वो 10 टीवी हमने साइड में रखे थे, 10 टीवी लेके आओ, कुछ नहीं लिखा। तुम्हारा बैठ लेते क्या? Yes. Any doubts in this? Any doubts? Yes. Excuse me sir, अगर इन्वेंटरी में एक्सेस काउंट हुआ तो क्या करते हैं? अरे मतलब बुक्स में कम है, इसका मतलब ये हुआ ना, बराबर है क्या? नहीं, फिजिकल काउंट ज्यादा आ रहा है तो बुक्स में कम है, ये मतलब हुआ ना उसका फिर, ठीक है चलो। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट में पहला काम क्या करना, कौन सा शुल्क देना मेरे भाई जल्दी बोलो? इज इट क्लियर? वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, thereby enabling auditor to express an opinion whether the FS are prepared in all material respects. अब दूसरा सुन लो, इसी के अंदर दूसरा, FRF एकदम खतरनाक टर्म, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एग्जाम्पल शेड्यूल 3 फॉर्मेट, फॉर्मेट को उन्होंने क्या नाम दिया? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। पर अब इसको मैं समझने के लिए फॉर्मेट बोल रहा हूँ, शेड्यूल 3 के अंदर सिर्फ वो कॉलम्स आते हैं जिसमें आप फिगर्स डालते हो बराबर, लेकिन फ्रेमवर्क के अंदर नोट्स टू अकाउंट्स भी आते हैं, कैश फ्लो भी आता है, पूरा एक साचा ढांचा। इज इट क्लियर? तो आपको सिर्फ ये नहीं चेक करना है ये कोई फ्रॉड है कि नहीं है, या एरर है या नहीं है। अच्छा एमएमएस इंक्लूड बोथ फ्रॉड प्लस एरर, दोनों एमएमएस में आते हैं बराबर है, तो आपको तो ये तो चेक करना ही करना है आपको कि उसमें एमएमएस है या नहीं है, लेकिन दूसरा काम क्या चेक करना है? क्या जो बैलेंस शीट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने क्या वो एफआरएफ के हिसाब से बने या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, क्या एफआरएफ विल चेंज एज पर एंटिटी और विल रिमेन सेम? चेंज फॉर पार्टनरशिप आप टी फॉर्मेट में करोगे, कंपनी आप बीपीटी होगा तो उनका शेड्यूल, वर्क फैक्ट के अंदर उनका शेड्यूल, हर एक्ट जो है जो एंटिटी का स्टेटस है उसके हिसाब से उन्होंने क्या बनाया उसका शेड्यूल। एग्री टू दिस? इसमें किसी को कुछ कहना है? एनी प्रॉब्लम? तो ये आपके दो काम हो गए, ये आपका ऑब्जेक्टिव नंबर वन। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर टू, एंड है बीच में और भी
टू रिपोर्ट ऑन एफएस एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर्स। तो पहले मैं क्या करूं, पहले मैं तब तक ढूंढते रहो जब तक आपको यकीन नहीं आ जाता कि आप कौन सा एश्योरेंस दे सकते हो, तब तक चेक करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। जैसे भी ये बहुत सब्जेक्टिव टर्म है सर, किसी को 100 में से 20 सैंपल चेक करके ओके लगता है, किसी को 100 में से 50 सैंपल चेक करने पे ओके लग रहा है, किसी को 40 सैंपल पे ओके लग रहा है, किसी को 100 में से 70 चेक करने पे ओके लग रहा है। इसका डेफिनेशन क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस कैन नॉट बी डिफाइंड, कैन आई से डिपेंड्स अपॉन ऑडिटर्स जजमेंट, कैन आई से डिपेंड्स अपॉन ऑडिटर्स। तो यहाँ पे जो जजमेंट लगाना है उसका नाम है प्रोफेशनल जजमेंट। कौन सा जजमेंट? सो इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म, ऑडिटर कभी भी ये डिफाइन नहीं कर सकता कि मैंने इतना चेक कर लिया बोले तो अभी रीजनेबल एश्योरेंस। यहां तक के ये भी हो सकता है कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस में ज्यादा गड़बड़ है इसलिए मैं 100% चेक करूंगा, रिपेयर्स मेंटेनेंस ओके रहते उधर 20% चेक करूंगा, ये भी हो सकता है। सेल्स तो यार टेंशन ही नहीं, 10% चेक करूंगा, क्या ये हो सकता है? Even the sampling ratio can differ item-wise, so there is no single formula. और ये इसलिए problem है कि आप कभी भी audit को AI replace नहीं कर सकते, इसलिए आपने धंधे में कोई tension नहीं। बाकी ये जो coding coding करते हैं लोग, ऐसा ना, ये सब है तो algorithm, ऐसा ना, ये सब replace हो सकता है। जहाँ जहाँ पे subjectivity है दुनिया में, वहाँ पे कभी AI replace नहीं करेगा। Is it clear? Yes or no? अरे समझ में आए कि नहीं? और आ भी गया ना तो ठीक है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा लॉस बिग फोर का, क्योंकि उनके क्लाइंट इतने ऑर्गेनाइज थे, क्या हायरिंग एआई विल रिड्यूस देयर बर्डन लाइक एनीथिंग। Is it clear? इतने ऑर्गेनाइज क्लाइंट, वो ऑर्गेनाइज क्लाइंट होने की वजह से जो लोग वहां पे जॉब करते हैं उनका रोल बहुत लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि वो क्या बोलेंगे, जो पॉइंट आप निकालने वाले हो उससे अच्छा क्वालिटी है ने करके दिया, आप करोगे क्या? इज इट क्लियर? आर यू देयर ऑर नॉट? आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज वर्किंग विद पीडब्ल्यूसी एसपीओ, मतलब शिवाजी पार्क ऑफिस, शिवाजी पार्क ऑफिस में मैं 6 महीने रहा दादर में, बांद्रा लेक के पास भी ऑफिस। तो एसपीओ के सम ऑफ माय कलीग्स दे हैड टू वेट फॉर देयर प्रमोशन, द प्रमोशन वाज ड्यू बट दे हैव नॉट प्रमोटेड बिकॉज़ देयर इज नो बिजनेस, बिजनेस नहीं आ रहा है तो प्रमोट किया है तो सैलरी हाइक देना पड़ेगा, फिर केप्ट ऑन होल्ड, वी कैन नॉट प्रमोट यू ऑल्दो यू आर एलिजिबल बिकॉज़ देयर इज नो बिजनेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? देयर आर सम सीरियस इश्यूज आर बीइंग देयर। तो इसलिए जहां जहां सब्जेक्टिविटी है दुनिया में वहां पे कभी भी एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ये एक पॉइंट है। सो अब ऑडिट होने के बाद में आपको कम्युनिकेट करना है किसको? एसएस के साथ आपको कम्युनिकेट करना है, मैनेजमेंट से क्या कम्युनिकेट करना है, आपकी क्या करनी है, जो ऑडिटर की फाइंडिंग्स। ओके, इसमें किसी को कुछ डाउट है? अरे बोलो भाई, चलिए अभी कुछ लिखते आइए। नहीं मैं पूरा लिखता हूँ, आप पहले ऑडिट भी लिखना है, ऑडिट का भी डेफिनेशन लिखना। मैं लिख रहा हूँ वैसा नोटबुक पे लिखना। कितने लोगों ने नोटबुक नहीं बनाई है अभी तक? बनाई है लेकिन लाई नहीं, ये अलग है, और बनाई नहीं, ये अलग है। लेके आना पड़ेगी ना, तो लेके रखा है लेकिन आज जाना भूल गए, ये अलग, लेकिन बनाया नहीं, ऐसे कितने लोग, ये अलग।
नहीं मेरे से आने सकते क्योंकि मैं मेरे बच्चों से सब सच बात बोला है कि नहीं बोला उनको वो भी बताया जो कोई बोलेगा नहीं तो बताया हाँ तो अभी ये सुन लो मेरी बात क्या होता है फिर अभी मैंने ग्रुप पे डालने के बाद भी आप ऐसे मत करो ग्रुप पे डाला स्पेसिफिकली बराबर है तो ऐसे मत करो प्लीज चलिए चलिए इसको लिखेंगे फटाफट लिखेंगे अभी लिखो हाजी जो नहीं लाया वो लोग रुको तो बाकी के लोग भी लिखो विदाउट यूजिंग मोबाइल रोज बचते बैठो आदत डाल लो भैया अभी आप मेंटली तैयारी करके आइए और इनका जो भी टाइम रहेगा अगर लास्ट लेक्चर रहा तो रोज आदत हो जाएगी ये मैं आपको पूछ नहीं रहा हूँ अभी ऐसा है वो डीटी का सिलेबस अभी थोड़ा ही बचा है कितना बचा है थोड़े बचा है तो बस कितने दिन की बात है वो मैम मैम को स्कूल में ड्रॉप करना होता है तो वैसे कुछ तो है जो उनको नासिर रोड का भी बैच होता है चल हो गया आप बोलो अभी तक के कितने के क्या बोल रहे हैं ऑस्टिन की बुक ना ऑफिस से लेने दो मिनट रुक जाओ सर सेंड द चार्ट वेर इज माय सेंड कौन सा चार्ट यही चार्ट लिखना है ये भी लिखना है अभी लिखना है ये भी चार्ट लिखना है अभी कितने लोगों ने नोटबुक बना ली पर लाई नहीं कहाँ से आता है क्यों मेरे को समझ में नहीं आता जी नहीं एक नई नोटबुक जो है उसको डेडिकेट करना है मेरे हिसाब से आप मैंने जिस दिन मैसेज डाला उसी दिन आपने उसके दूसरे दिन करके रखा होगा ऐसा इस बोनाफाइड बिलीफ में मैं गुड फेथ ये कॉलेज वाला बोले यार मैं तुला गुड फेथ में सागर तू सब सागर बोला गोल्डन फेड बिलीव लिटिगेशन वी वेयर अंडर गोल्डन फेड बिलीव बट आवर सप्लायर बिकम नॉट इन जनरल मैंने सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट डाला था आप लोगों ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया उसमें
एक मिनट। हाँ क्या बोल रहे, बोला क्या? वेदर एफएसआर फ्री फ्रॉम एमएमएस, ब्रैकेट में शॉर्ट में लिखा है, क्योंकि अभी आपको कम से कम शब्दों का प्रयोग करना है। एफ प्लस ई सिंबल्स है ना, इस तरह की चीजें ज्यादा दिमाग में जाती, फ्रॉड और एरर। हाँ एफ मतलब फ्रॉड, ई मतलब एरर, ठीक है ठीक है। ठीक है, हो गया चार्ट बना के, चार्ट बना लिया आप। ठीक है डन, ओके चल अभी सुनो आपको क्या करना है होमवर्क। तो यहाँ से आगे आपको कल करेंगे, ओके मैं तो यही बोल रहा था, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। वही 50 की डेट चुकी है, कौन सी डेट अपनी कम रही है? 150 की कर दे, 50 की देते नहीं बच्चे। अरे मैं रात को मुझे मैसेज आएगा, सुनो ना सर, मेरी कल तबीयत खराब होने वाली है। At the end of the tax period or 7 days, अगर कोई विषय में दिखा तो यानी जो लॉ बनो ना तो वो जल्दी रूल प्रमाणे 13 days और आसपास लॉ में 13 days प्रैक्टिकली क्या जाएगा जाना 3 बजे सुबह तक कर दो, 3 बजे रेट 20 है मतलब 5 बजे पर रेट 20 करो, पर एक्चुअली लॉ में जो 13 और 20 है मुझे 13 एग्जाम में 20 है अपन चार्ज कर दिया अपन करोगे हाँ।